अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? क्या पक रहा है? खुशबू आ रही है मुझे, गरम गरम शीर खोरमे की खुशबू आ रही है, और बिरयानी भी है। हाय हाय हाय, बिरयानी के साथ कचूमर, रायता, सीख कबाब भी बनाए। मुंह में पानी आ गया। आप बैठे हुए कर रहे हैं नाश्ता और मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। मेरे घर में गरम गरम पकवान तैयार है, लेकिन अपने मैके वालों की खातिर मैं आ गई हूँ आज के लिए, आपके लिए ईद का शो लेकर आपके फेवरेट सितारों के साथ। वैसे आपस की बात है, मैं थोड़े गिले शिकवे करना चाह रही हूँ आज। हाँ, इस ईद के मौके पे गिले शिकवे होंगे, और वो ये, हम खवातीन ऐवे ही बदनाम है। हम क्यों बदनाम है? हाय अल्लाह, शॉपिंग करने में तो ये थका देती हैं, चला चला के इधर से उधर, दर्जी का तो ये दिमाग खराब कर देती हैं, मतलब ब्लड प्रेशर हाई कर देती हैं दर्जियों के। इनकी मैचिंग की कोई चीज ना मिले तो चार चक्कर लगाती हैं बाजार के। बातें तो इनसे इतनी करवा लो कि पूरा दिन बातें करती रहती हैं, और गॉसिप, गॉसिप में तो इनका कोई मुकाबला नहीं। और भाई कोई बात हो, टप 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 आंसू बहने लगते हैं, फौरन रोने लगती है। जबान तो इतनी लंबी है कि बस समझ नहीं आता कि अल्लाह मियाँ ने कितनी फुर्सत से बनाई है। चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और कहीं जाना हो तो इनको 5 घंटे पहले बता दो कि सुने शादी पे चलना है रात को, तो 5 घंटे से तैयारियां शुरू कर देती हैं। ये खवातीन को बदनाम किया हुआ है। और ड्राइविंग, कोई भी गाड़ी आगे चला रही हो खातून और गाड़ी थोड़ी डगमगा रही हो, ज़रूर कोई औरत ड्राइवर होगी। अरे अरे अरे, ये तो हमारे सर पर आप लोगों ने बदनामी का ताज पहना दिया है। इस ईद के मौके पे मैं इस बात से क्या कहते हैं एहतजाज करती हूँ, एहतजाज करती हूँ। देखिए अब मेरी बारी है आपको आपकी गलतियां गिनवाने की, यानी कि दुल्हा भाई अगर आप मुझे देख रहे हैं तो कान खोल के इस ईद पर अपनी बहन की बात सुनिए। और वो ये, मुंह बनाने में आप लोग नंबर वन होते हैं। कुछ भी है, हमारे चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। दिल में चाहे कितना भी गुस्सा हो, देखिए हम अपनी सास को कितना मुस्कुरा के देखते हैं, है ना? नखरे कोई आपके कम नहीं है। अरे अरे अरे, जरा अपनी बीवी के मैके तो जाएं। पता नहीं मुंह पे कैसे 12 बजा लेते हैं आप लोग, इतना नखरा। नहीं नहीं, मैं ये वाली चाय नहीं पीता, नहीं नहीं मैं ऐसा वाला खाना नहीं खाता, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो मिर्चें ज़्यादा खाई जाती हैं। नखरे कम नहीं होते आप लोगों के। और तो और, खाने में अगर बेगम से नमक ज़रा सा ज़्यादा तेज़ हो जाए, फौरन खाने को रद्द करके उठ जाते हैं कि मैं नहीं खा रहा, भूख नहीं है मुझे। कितना नखरा दिखाते, कितना गुस्सा दिखाते, कितना बच्चों को एक बात में, अगर आपकी बात ना माने एक दफ़ा में, कितनी आंखें दिखाते हैं। तो गुस्सा किसका तेज़ हुआ, आपका या आपकी बेगम का? और तो और, देखिए हम तैयारी में देर लगाते हैं, हम शॉपिंग में देर लगाते हैं। आप लोगों को अगर आपके मनपसंद ईद पर कड़क नोट ना मिले तो आप इस बैंक से उस बैंक, उस बैंक से इस बैंक जाते रहते हैं, कितना गाड़ी का पेट्रोल बहाते हैं। और तो और, अगर आपकी वो सही वाले कलफ वाली सिलाई ना हुई हो ईद के जोड़े की, तो आप भी यही काम करेंगे जो हम करते हैं दर्जियों के साथ। अगर आपकी मनपसंद खेड़ी या कोल्हापुरी या खुस्सा ना मिले या काटने वाला मिल जाए, फिर आप जाएंगे बाजार। साल में एक दफा पहनने होते हैं ईद के कपड़े और खुस्से और खेड़ियां और कोल्हापुरी, लेकिन नखरे और कभी। अगर बेगम ईद की नमाज से पहले इतने सारे काम होते हैं, अजारबन डालना भूल जाए, कितना डांटते हैं आप ईद के दिन, ये सोचे समझे बगैर कि ईद का दिन है, उसकी ईद भी खराब हो सकती है। और दिन भर पड़े आप ही सोते रहते हैं, ईद वाले दिन भी बेगम ही काम करी होती है। गिनवा दिए ना मैंने आपको भी दुल्हा भाई आपकी सारी गलतियां, तो हमें बदनाम ना करें। इस ईद के मौके पर निदा यासिर एहतजाज करती है, अपनी खवातीन के लिए खड़ी होती है कि ईद पे भी हमें काम करना पड़ता है और आप करते हैं आराम। तो जी ये बदनामी दूर करते हैं और आज का शो शुरू करते हैं। आज के शो में क्या होगा? एक तरफ होंगी खवातीन, एक तरफ होंगे मर्द हजरात, दोनों के बीच में होगा जबरदस्त किस्म का मुकाबला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला होगा। हम अखिल में कहते हैं औरतें हार जाती हैं हर चीज़ में, रेस लगा के देखें हम ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं। अगर हमारे साथ डिबेट का मुकाबला करके देखें
हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं। और तो और कभी दे दे एक दिन पूरे के पूरा दिन बच्चा संभालने का काम अपने हस्बैंड्स को, हार जाएंगे, उल्टा पैंपर बांध देंगे, उनको खाना नहीं खिलाएंगे, बेचारे रो रो के सो जाएंगे बच्चे, और जब आप आएंगी तो बच्चों को उल्टे कपड़े पहनाए हुए होंगे। हाँ कहीं मैंने बदनाम किया, खैर कोई बात नहीं, गिले शिकवे दूर। और आज का दिन, आज के दिन की शुरुआत करते हैं, ईद मनाते हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ। ऐसे सितारे जो बीवी को भी पसंद है, जो हस्बैंड को भी पसंद है, दोनों मिलके बैठ जाइए टीवी के आगे, बल्कि बच्चों को भी संभाल के बैठा लीजिए, क्योंकि होगा हंगामा आज की सुबह। और ऐसा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि आपके पूरे दिन का मजा हो जाएगा दुबाला। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में ईद मनाएं अपने मैके वालों के संग, यानी मेरे संग, और बदनामी खत्म। खबरदार जो आज बीवियों को किसी ने कुछ कहा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। क्या होने जा रहा है आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे शो पे क्या हम करने वाले, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आज की सुबह यानी ईद की सुबह अगर हमने अच्छी बना दी आपकी तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। वैसे भी कहते हैं शक्लें जरा अच्छी देख लेना सुबह सुबह तो दिन वैसे ही अच्छा गुजरता है। तो हमारी तरफ यहाँ शो पे है खवातीन और मर्द हजरात के बीच में मुकाबला, देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन जीतता है। और आप हैं यहाँ व्यूअर, आपने वोट करना और बताना है कि समझदारी वाली बातें आज के शो में ज्यादा मर्द हजरात ने की है या खवातीन ने। तो आइए शुरुआत करते हैं, और जो हमारी प्यारी सी लड़कियों की टीम है उनको दावत देते हैं। मैं उन तीनों को एक साथ यहाँ बुलाना इसलिए चाहूंगी कि तीनों बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए सज सवर के आई है। वैसे कहते हैं कि ईद के दिन क्या मुकाबला, अरे आपको नहीं पता ये मुकाबला घर से शुरू होता है। खवातीन कहती हैं, खवातीन को हस्बैंड कहते हैं कि नहीं हम ज्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती। खवातीन को मर्द हजरात कहते हैं जिस दिन हम किचन में चले गए ना तो ये जो तुम लोग नखरा दिखाती हो ना कि हाय थक गए, हाय बहुत काम कर लिया, ऐसा नहीं होगा, दो मिनट में हम किचन से बाहर निकलेंगे। मर्द हजरात खवातीन को कहते हैं कि खाना मर्द ज्यादा अच्छा पकाते हैं, यानी मर्द ज्यादा अच्छे शेफ होते हैं। और तो और मर्द हजरात खवातीन को ये भी कहते हैं कि कहीं भी जाना हो हम जल्दी तैयार होते हैं। सो देखते हैं कि मर्द हजरात आज यहाँ अपनी बनाई हुई एक छोटी सी दुनिया में जीत पाते हैं या खवातीन जीतती हैं। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे टैलेंटेड तीन बहुत ही प्यारी प्यारी सी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं कहूँगी तीनों का ताल्लुक ड्रामा इंडस्ट्री से है, उनमें से एक का ताल्लुक मॉडलिंग इंडस्ट्री से भी रहा है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो आगे मंजिल है उसको ड्रामा इंडस्ट्री बना लिया। एंड देन जो सेकंड हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उन्होंने ड्रामे से आगाज़ किया, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे हुए, फिर वो ब्लॉग्स बनाने लगी, और इसी तरह ड्रामे के साथ साथ वो ब्लॉगर भी बन गई। और जो मेरी तीसरी गेस्ट सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो एक्टिंग से उन्होंने अपना आगाज़ किया, और आहिस्ता 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 उन्होंने कहा मैं अब क्या करूं, तो उन्होंने बिजनेस वुमेन बनने का सोचा और अपनी कपड़ों की एक रेंज निकाली। सो आइए वेलकम करते हैं सुनीता मार्शल, फातिमा अफंदी एंड नवाल सईद। जैसे तूने कुछ कहा, तेरी सरगोशी थी कोई या थी पागल हवा। तो मैंने आप तीनों के बारे में बिल्कुल सही कहा ना, मॉडलिंग से एक्ट्रेस, एक्टिंग से ब्लॉगर, ब्लॉगर ही कहते हैं एक्टिंग के साथ साथ, एक्टिंग के साथ साथ, एंड एक्टिंग से बिजनेस वुमन, आई थिंक सो। क्या नाम है तुम्हारी ब्रांड का? मेरे ब्रांड का नाम है लेस फॉर ग्रेस, और हमारे पास ईस्टर्न वेस्टर्न का ब्लेंड है। अच्छा, सो पीपल आर रियली लाइकिंग इट, आई होप यू गाइस लाइक इट, कंटिन्यू लाइकिंग इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जैसे मैंने आज कहा कि क्या मर्द जो है वो कभी कभार बदनाम करते हैं खवातीन को, तुम लोगों को लगता है कि गाड़ी सही नहीं चलाती हैं या
क्या सुनने को मिलता है? सबको अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। फातिमा तुम बताओ, कमर से क्या सुनने को मिलता है तुम? जनरली हाँ बोलते हैं सब, लेकिन बदनाम मतलब किस सेंस में? मतलब बदनाम इन द सेंस कि तुम लेट तैयार होती हो, तुम देर से सो के उठती हो, तुम बहुत बोलती हो, तुम बहुत गॉसिप करती हो, बहुत नखरा करती हो, शॉपिंग में बहुत देर लगाती हो, बला 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 बला, बहुत रोती हो बात बात पे, छोटी छोटी बात पे। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ लेट सो के उठना और टाइम लगाने पे बोलते थे, बट मैंने उनको गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ कर दिया क्योंकि आप वो ज्यादा देर लगाओगे। जी सुनीता, यहाँ क्या हाल है? यहाँ ये हाल है कि मैं वैसे बहुत ज्यादा पिक्चर्स नहीं लेती जब हम वेकेशंस पे जाते हैं, लेकिन अगर मैंने तीन से अगर मैं चौथी पिक्चर पे आ गई हूँ तो उसके बाद हसन और मेरे बच्चे मामा स्टॉप इट यू आर टेकिंग मिलियंस ऑफ पिक्चर्स, तो बस वो मुझे ज्यादा तस्वीरें लेने में ये कमर भी कहते हैं। और उसके बाद सबसे पहले, इससे पहले कि मैं पिक्चर अपलोड करूँ, जरा व्हाट्सएप करना पिक्चर, जल्दी से पिक्चर भेजो। अरे तुम तो उस पिक्चर में इंटरेस्टेड भी नहीं थे जो खींच रहे थे, कि सबसे पहले कुछ चाहिए और मुझसे पहले लगा देते हैं। अच्छा नवाल, तुम्हारे भाई भी है ना? जी जी जी। तो आप जाहिर है घर में तो मैरिड नहीं हो, तो भाई और बहन के बीच में होता होगा, अब्बू क्या कहते हैं या भाई क्या कहते हैं नवाल, किस चीज में बदनाम है घर में? लेडी गर्ल आई थिंक मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वीमेन आर नॉट केयरलेस, ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइज होती हैं। हाँ. तो मुझसे तो ये कंप्लेन रहती है कि कमरा नहीं ठीक होता, तो कबर्ड नहीं ठीक, तो भाई का कमरा ठीक होता है? नहीं, उसका मुझसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज है सरप्राइजिंगली। मेरे ड्रामा का वार्डरोब एंड व्हाट नॉट, वो सारी चीज़ें मिला के आई थिंक उसकी वजह से आई लैक दिस। ओके ओके, अगर ये तो मेरे जनरल बात पूछी, अब ईद के दिन की बात करते हैं। ईद के दिन पर क्या सुनना पड़ता है आपको? तैयारी का ही, आई थिंक तैयारी में बहुत टाइम लगा दिया, बहुत लगा लिया, मेहमान आने वाले होंगे, यही वाली यही होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि शॉपिंग पे जा रहे हैं या चूड़ियाँ खरीद रहे हैं और चूड़ी खरीदे कुछ डिजाइनर्स भेज देते हैं और यू गेट एक्सेसरीज आल्सो। पहले ये कंप्लेंट बहुत रहती थी कि शॉपिंग पे जाना है और क्राउडेड जगहों पे जाना है और ईद के वक्त से रश भी बहुत होता है, पर आई थिंक तैयारी पे ही बोला जाता है ज्यादा तैयारी। सुनीता तुम ईद के दिन खास तौर पे? ईद के दिन नहीं, मुझे तो नहीं बोला जाता, उल्टा मैं ही बोल रही होती हूँ जल्दी करो तैयार हो जाओ, देर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तुम नहीं हो मतलब, लाइक तुम्हें कोई सुनने को ताना नहीं मिलता हसन से? नहीं नहीं। और भाई फातिमा, ईद के दिन का ताना? तैयारी पे मुझे भी नहीं मिलता क्योंकि कमर नमाज पढ़ के आके सो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ सोते रहो, बल्कि मैं कहती हूँ सब चुप रहो इससे पहले कि मैं तैयार ना हूँ कोई ना उठाए। हाँ। तो फिर आराम से जब सो के उठते हैं तो मैं रेडी हो चुकी होती हूँ, तो आएगा तो तैयारी पे ये नहीं होता बचत। सो ये तो थी भाई इनकी कहानी ना, हमारी लड़कियों की, हमारी खवातीन की कहानी। अब हम सुनते हैं मर्द हजरात की कहानी कि वो उनको किस बात के ताने मिलते हैं और क्या हम कभी मर्द हजरात को किसी चीज में बदनाम करते हैं? वैसे करते तो हैं, बिल्कुल करते करते तो हैं, और हम किस बात पे करते हैं हम भी जरूर बोलेंगे, उनको जरा आने तो दे। सो मेरे जो अगले गेस्ट हैं, यानी जिनसे हम इन तीनों का मुकाबला होगा आज हमारे शो में इस ईद के मौके पर, उनके बारे में बताती चलूं जी। उनमें से एक गेस्ट जो है, उन्होंने जैसे मैंने इनका बताया वैसे मैं उनका भी बताऊंगी, उन्होंने अपने करियर का आगाज एज एन एक्टर किया और फिर एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन को भी अपना लिया। जो उनमें से दूसरे हैं, उन्होंने अपने करियर का आगाज एज होस्ट किया, फिर एक्टिंग की, फिर होस्टिंग की। और जो हमारे थर्ड गेस्ट हैं, वो पहले इंटीरियर डिजाइनर थे और फिर एक्टिंग में आ गए, ड्रामों में एक्टिंग करने लगे। सो आइए आज हमारी इन प्यारी सी लड़कियों का मुकाबला, जिन लड़कों, कितने खुश होंगे ना कुछ लोग उनमें से, जिन लड़कों से होगा, मुझे कहने दें आज इसका दिन है, वो है यासिर नवाज, आगा अली एंड नूर हसन। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पहले भी मुबारक आ रहे थे, नच के दिखा बन्नो, शहजादियां आई है, मेकअप आर्टिस्ट क्या हो रहा है? बड़ा अफसोस हुआ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम तो पता नहीं कैसे हैं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि ये कैसे हैं और कब हुए और ये कैसे मैं, मेरे मैं मैंने मैचिंग किया फातिमा भाभी के कपड़े बच गए थे कुछ थान में से, मैं कोट बना दूं मुझे इसका कोट बनवा दिया, मैं कोट बनवा दिया। अच्छा मैंने सुनी था ने पहले से प्लान कर दिया आप लोग कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, मैं सारी रात बैठ के गोटे सारे निकाले हैं यहां लगे हुए थे, ये एक्चुअली उठ के लगाए 2023 वी हेल्प अवे मैन। हां जी, तो बिल्कुल ठीक
ठीक है, मैं बैठ के करता हूं, मैं भी देख रहा था इतनी देर खड़ा किया बचा जाऊंगा यार, बैठ जाते ना यार। बात सुने, आप लोगों ने कोई झालोरे वाले तो कपड़े नहीं पहने होते ना, लेकिन इनके कपड़े हम बैठ जाते आप गाना, लेकिन आपने ऐसे ही लगाया था जिससे हम झालोरे वाले कपड़े पहन के अब ये गाना चेंज नहीं होगा क्योंकि पब्लिक कहेगी कि कौन सा गाना था, हमने भी सुनना है। अच्छा जैसे मैंने इनसे पूछा कि जो होता है ना कि कभी लड़कियां किस चीज में बदनाम है, आप लोगों ने भी तो कोई ताने सुने होंगे ना अपने घर की खवातीन से। Can I please add one thing? Please. आपने ड्राइविंग की बहुत बात की। हाँ। And again, no prejudice, लेकिन मुझे हमेशा ही होता है कभी भी कोई बुरी ड्राइव कर रहा होता है। हाँ। I'm sorry, कोई खातून की बुरी सिनेरियो होगी, मैं भी ये कर रहा हूँ। देखा, oh, कितनी बुरी बात है। Every time it's always a problem. ऐसे ही बंदा करता है। अगर तुम नहीं ऐसे करते हो। नहीं मैं। Yeah, I would be wrong. यार मैं गलत ही कह रहा हूँ। पर मुझे ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार कहीं कोई खातून ना चला। और वो ऐसा होता है। कितनी बार ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। Especially parking में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ से मैंने आपके तो मुँह से खुद ही सुना है। खातून गाड़ी चला रही है। जिस तरह चल रही गाड़ी ना वो अंदाजा हो जाता है। लेकिन मैं कुछ ऐसी खातूनों को भी जानता हूँ, हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। खवातीन, लेकिन खवातीन जो मैंने नोट किया ना, खवातीन आजकल बाइक ज्यादा अच्छी चलाती हैं। ज्यादा अच्छी चलाती हैं। बाइक अच्छी चलाती हैं। वो डरी भी होती हैं, आराम आराम चला रही होती हैं। बाइक ऐसी चलनी चाहिए। हमारे तो बाइक चला रही होती हैं। बिल्कुल। तो खवातीन को चाहिए वो बाइक चलाएं। अच्छा आप लोग प्लीज तशरीफ रख सकते हैं, सब सारे जितने भी दूल्हा भाई हैं देख रहे हैं, उन्होंने आपके शूज भी देख लिए हैं, आप लोगों के कपड़े भी देख लिए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग फिट आ जाएंगे? आ जाएंगे, ट्राई जी, पक्का ट्राई। इतने फिट लड़के आए आज, आप कैसी बात कर रही हैं आप, ये हम तो आ गए, वो फिट नहीं आ रहे कपड़ों की वजह से। नहीं नहीं, हम ज्यादा फिट आ गए, पतले से आराम से फिट आ गए। अच्छा मैंने इन लोगों से पूछा था, चले ये तो ड्राइविंग हो गई ना, लेकिन मुझे ये भी पूछना है कि कभी कोई ताना तो आप लोगों को सुनने को मिलता होगा आपकी घर की खवातीन से ईद पे? हाँ आगा चले आप। जैसे ईद पे एक बहुत कॉमन ताना मुझे ये पड़ता है। हाँ। मैं ईद पे 3-3.5 घंटे से ज्यादा तैयार नहीं रह सकता, नमाज पढ़ दी और उसके बाद में 1-2 घंटा पिक्चर ले ली और फिर मैं चेंज कर लेता हूँ, तो मुझे फिर ताने पड़ते हैं बहुत के ईद का दिन है, अम्मा बहुत डांटती है। हाँ। नहीं मिलता है, अभी कोई आएगा देखेगा, नेस्ती फैलाई हुई है ये वो exactly। नूर आप बताएं। Exactly ईद का दिन है, सोशलाइज करो, जाओ बाहर जाओ, सबको देखो, सब एक दूसरे से मिलने में आपका दिल कर रहा होता है कि आप घर आए नमाज पढ़ें, उसके बाद घर बैठ के अपनी स्पेस एंजॉय करें, स्पेशली जो आप बहुत ज्यादा काम भी कर रहे होते हैं। से ये ताने अम्मी, मुझे तो खैर अम्मी से ताने पड़ते हैं। यासर आप ताने की लिस्ट बताओ ना, आप लंबी होगी मैं आगे कपड़े चेंज कर लेता हूँ अक्सर। हाँ। वो ताना जो होता है वो कॉमन ताना है बहुत ही। पहला ताना मुझे अभी यहाँ तैयार होके सूट पहन के आए हुए, मुझे ये इंसान घर में कभी भी ऐसा नहीं मिलता। घर में कभी तो इंसान अच्छा देखे ना, नहीं लेकिन निदा ऑनेस्टली आप ऐसे रहोगे अपने घर में पूरा दिन? लेकिन मैं बहुत बुरे हाल में भी नहीं रहती ना, मतलब इंसान मैसी रहते हैं थोड़े से, वो रगेड इंसान है, ऑर्गेनिक है, आप ये देखो ये क्वालिटी है ये। थैंक यू, आई लव यू सर, रुलाने आए हो मुझे, मैं रो पड़ूंगा बस कर यार, इतना अच्छा नहीं हो, बट ये मैंने दिल से बोला। और एक ताना होता है कि मर्द हजरात बहुत गंदगी फैलाते हैं घर, ये बात तो आप लोग मुझसे मुत्तफिक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने केस में मर्द हूं, गंदगी फैलाने से तुम आ गए हो, मैं तो ताना नहीं देता हूं। ये मुझे अच्छी बात है, जितना तुम फैलाते हो गंदगी शायद ही तुम फैलाते हो। नहीं यार, चॉकलेट खाएंगी इसका मैं निकाल रहा हूं सबके बीच में, अरे ये क्या है, इधर सोफे से निकले तो अंदर की छालियां निकल रही है, पैर पर हां, ये सेट की आदत आप घर पे अप्लाई कर रहे हो आप? रिमोट रिमोट ढूंढने निकलो ना, तभी रिमोट भी निकलेंगे। रिमोट ढूंढने कहां निकलते हैं आप, सोफों के बीच में? ये अगर निदा के शो का है ना, यकीनन कुछ ना कुछ होगा। ये कंटेंट वालों ने गलती कर दी है, ताना वाला सेगमेंट रख दिया, पता है रियल हो गया ये। गंदगी फैलाने तो आप मसला आप नंबर वन नहीं ऐसा। और मैं ये बात जब निदा सलाह को डांटती है ना बेटी को मेरी, मैं ये माँ से आई है, तुमसे सीखी है इसने। ओ वाह वाह यार, ऐसा कुछ नहीं, आपके सारे कपड़े मैंने साफ करवाए, पूरा स्टोर मैंने साफ करवाया है। ये कब हुआ? 20 साल बाद हुआ, पहली मतलब 20 साल बाद पहली मरता हुआ है, मुझे पता नहीं एक दिन मैं शो में ताना सुनूंगा, लाइव पूरी दुनिया के आगे मैं ये इस सेगमेंट से पहले तो नहीं हुआ कि हुआ तो 3-4 दिन पहले, शो तो पहले प्लान हुआ, इस शो का चेक नहीं मिलेगा साथ में माइनस। ओह
मेरी बात सुनो और सीरियसली अभी जो हमारी बनाई है उसने उसमें खुद ही मैं शूट पे था तो पता नहीं कहाँ से थैले लेकर आई है जिप वाले सलवारें सारी इसमें नाइट सूट सारे इसमें पैंटे सारी इसमें शर्ट सारी मैं ढूंढूंगा करके दिया आपको इतना अच्छा तो मुझे क्या पता ये 15 जो पड़े हुए इनमें से मुझे फला पैंट शर्ट पहनी है मुझे शर्ट पहनी है मुझे ऐसे कैसे पता चला कहाँ से ढूंढूंगा मैं आपके ऊपर क्यों किया तुमने और आपको लिख देना चाहिए सुनीता मैंने टी शर्ट एक रखी है और वो ट्रांसपेरेंट है एक बंदे को नजर नहीं आया तो मैं ट्रांसपेरेंट कहाँ सही नहीं क्या हो गया ट्रांसपेरेंट इतना था मुझे कह रहे थे तुमने ग्रीन कलर पहना है मैंने कहा ये कलर ब्लाइंड है अभी भी लग रहा है ग्रीन है मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि मदद आपने की लेकिन वो मदद अगर आप अगले को बता देती कि मैं करने लगी हूँ तो ज्यादा अच्छा होता ये है आदमी अगर सफाई भी की है तो उसमें भी कीड़े निकालते हैं मैं बता रही हूँ ये नहीं सफाई पे प्रॉब्लम नहीं देखिए ऑर्गेनाइज होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अच्छा छोटे कोट्स वगैरह आगे हैंग किए कि आप घर में भी वही पहन के ट्राउजर्स जींस शर्ट्स होती है ना पता नहीं कहाँ से लिया कहाँ से आइडिया लिया कि इंस्टा देखो इसको नहीं उठाया बोल्टन बोल्टन मार्केट जिप लगी नहीं बोल्टन मार्केट से लाया सीरियसली मैं यार ये मैं शर्ट ढूंढूंगा आज मैं पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट टाइप अच्छा अब घर की कहानियां खत्म करो ना अब ईद की कहानी शुरू करते हैं है ना वो बहुत हो गई और नहीं बताना बातें बस सब पता लग गया सब पता लग गया सवाल चेंज करो ना अब सवाल चेंज करियो हां अच्छा जी कितना टाइम लगता है आपको ईद की नमाज के लिए तैयार होने में नूर 15 minutes, जिसमें नहाना included होता है। अच्छा, आपको सुबह सुबह जब मेहमान आए सुनीता तो आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है मैं तो बहुत ही जल्दी तैयार होता जल्दी 10 minutes hardly जी इसमें नहाना शामिल नहीं है नहाना पहले होता है उसके बाद 10 मेकअप वगैरह पर 10 मिनट में सब बाल वाल सब सुनीता को शूट पे देख चुका हूं सीन खत्म होता है वापस अंदर आती है इसके पहले मालूम किया होता है कि मुझे नेक्स्ट सीन में ये कपड़े पहनने हैं वो कपड़े पहन के बैठी हुई होती है असिस्टेंट आता है आप चेंज कर लें कर लिए यही कपड़े तो हैं और दूसरा सनम सईद में अच्छा सुनीता मुझे लगता है क्योंकि मॉडलिंग करती है ना हम लोगों को चिढ़चिढ़ती है बार बार कपड़े चेंज करने में ना जब आते हैं किसी किसी का ना नेचर भी होता है इवन शोज में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बिल्कुल एंड में मेकअप कराती हैं मुझे उस टाइम पे इतना केओस होता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो तो तुम पहले मैं सबसे पहले जाके मेकअप करा के तैयार होके मैं कोने में बैठ जाती हूँ अच्छा भी मैं रेडी हो गई ताकि मेरे सर पे कोई खड़ा नहीं इतना भी नहीं पर ये एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है जब भी आप रेडी होते हैं और बाकी सेट रेडी हो रहा हो या आई थिंक वो जो आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है थोड़ा सा वो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है मतलब आप चिल हो जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं एनर्जाइज्ड हो जाते हैं जैसे सुबह में आप आए और अभी आपको पता है 3 लोगों का मेकअप होना है दैट्स द बेस्ट टाइम यू कैन गेट ओहो मुझे ऐसे लगता है आप स्कूल तो आ गए हैं पर अभी स्कूल शुरू होने में अच्छा कितना टाइम लगता है यासिन नवाज आपको तैयार होने में तो मुश्किल से 2.5-3 मिनट बस ये दरवाजा खोलते हैं वापस से दरवाजा बंद कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं आपको नहीं लगेगा तो ऐसे इस ईद के कपड़ों में नहीं बैटमैन सूट में ऐसा कुछ नहीं है यासिर और इकरा की शादी थी दोपहर में मैं पूरा इंस्टा पे कह रही हूँ यासिर निकाह हो गया यासिर बस करो हम जब गए तो रुक सकती शादी थी यासिर नवाज जल्दी करो देर हो रही है यासिर नवाज आज जो रोस्टिंग हो रही है ना इस ईद पे आज बच्चों तुम लोग आज सुबह मैंने निजा से पहली पूछी उससे जवाब दे दिया आप पूछूंगा तो जवाब दे देगी लेकिन पहले गलत जवाब दिया उसने मैं माइकल की माँ के दो बेटे थे तो एक का नाम था यस्टरडे और एक का नाम था टुमारो तो तीसरे बेटे का नाम किया था निदान टुडे फिर सोच रहा है ये ट्रिकी था आपको पता है आप तेज हैं मुझे लग रहा है ये जवाब ज्यादा स्मार्ट था जवाब क्या था पता है माइकल आर यू
तो फिर ये कैसे ज्यादा स्मार्ट मतलब ये yesterday, tomorrow, today, ये ज़्यादा आप उसकी बातें में यहाँ आने के लिए तैयार हो रही थी, मेकअप हो रहा था, कोई दिमाग किधर इधर नहीं था और सवाल ही पूछते रहता यासिर। यार नहीं वैसे बहुत मुश्किल होता है सुबह 5 बजे उठ के शो होस्ट करना। वैसे ये अच्छी बात है कि आपको हर वक्त एंटरटेन रखते हैं आपकी भाई, एंटरटेन मतलब ये सवाल कर करके आपको बोर नहीं होने देते, बोर नहीं होने देते। सारे कपल्स को दे, इतना आसान नहीं होता इन जोक्स को लेना और इतना आसान नहीं होता ऐसा ह्यूमर हर किसी का भी होना। ईद के लिए नमाज के लिए तैयार होने में कोई और तैयारी होती नहीं, कपड़े चेंज करने और वजू करना। आप लोगों की सुस्ती होती ना उठने से पहले 10,000 दफा जो है वो अच्छा अभी तैयार हो रहा हूँ अभी तैयार हो रहा हूँ। देखिए हम लोग मुझे लगता है तीनों लोग जो इस सोफे में बैठे हैं वो सब बोलोगे जिनको पता होगा कि किस मस्जिद में जाना है उसके लिए कितना टाइम चाहिए। हाँ। हम उतने ही टाइम पहले उठे होंगे चेंज किया होगा और मस्जिद चले गए। दूसरी एक और बात ये ना कि सिंपल काम भी इस तरीके से कि हम वैसे हर वक्त काम के लिए रेडी रहते हैं। हाँ। so I think हमारी ईद हमारी हॉलीडेज हमारी वेकेशन ही होते हैं कि जब हमें रेडी ना होना पड़े। oh, so I think जितना quick, जितना because you know we're ready right now. But अगर मैं घर पे होता हूँ मुझे नमाज पढ़ने जाना हो तो मैं 2 मिनट में नहाऊं कपड़े चेंज करूं because that's my ईद। आप दोनों बताएं आपसे पूछना रह गया कि आप ईद के लिए कितनी देर में तैयार होते हैं? 3 दिन में बाल बाल आयरन कर्ल सब। मेरे बालों के साथ मुझे टाइम लगता है बिकॉज बालों में मैं मेकअप तो जल्दी हो जाता है 10-15 मिनट्स में, बट बाल अगर प्रेफर करती हूँ मैं कि रात को ही कर लूँ ताकि सुबह को टाइम ना लगे। ये बहुत अच्छा आइडिया। मैं भी यूजुअली बाल मेरे टिक जाते हैं ऐसे, जैसे अगर मैंने कर्ल कर लिए रात को शावर लेके तो फिर मैं उसको पिन कर दूंगी तो वो टिक जाएंगे सुबह में। आइडिया आप लोगों को मिल गया है एक फातिमा की तरफ से। वेरी गुड वेरी गुड। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। इस सेगमेंट में जो मेरा हाल हुआ है वो तो आपने बिल्कुल देखा होगा, अगले सेगमेंट में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मुकाबला है खवातीन और मर्द हजरात के बीच में, कौन जीतता है इस सेगमेंट में? बेटा आप लोग जीत गए, अगला सेगमेंट आने दो। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। तो जनाब यहाँ हो रहा है नूर, आगा अली एंड यासिर नवाज, ये तीनों टीम मेंबर हैं। यहाँ सुनीता मार्शल, फातिमा अफंदी एंड नबाल, इन 6 लोगों के बीच में मुकाबला। हमारी ये खवातीन की टीम है और ये मर्द हजरात की टीम है। क्या तुम लोगों में यूनिटी है, हो गई है? मतलब खवातीन में यूनिटी होती है। ये मुझे एक तंजिया सी बात लगी है। मुझे भी नहीं लगता खवातीन में यूनिटी होती है। इसका क्या मतलब? खुद बोल के खुद भी हंसी है और आप मार मार रही है। बोलो होती है, होती है। हो गया जवाब, जवाब मिल मेरा था, दे दिया। ओके अच्छा मैं आप लोगों के साथ, पता है इस ईद के मौके पर आपको क्या तोहफा देने वाली हूँ? जी वो तोहफा देने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत सारी पनिशमेंट्स हैं माशाल्लाह। और पनिशमेंट्स क्यों मिलेंगी? वो इस तरह मिलेंगी कि कभी खतों के तबत किए हैं आपने, लेटर बॉक्स में लेटर डाला है या निकाला है कभी? उस जमाने के नहीं हो तुम लोग? नहीं नवाल, कभी भी नहीं? आप लोगों ने कोई यार जमाने के नहीं है,
लिख ये तो टेलीफोन बूथ लग रहा है पर मुझे लेटर बॉक्सेस बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं नहीं कभी खतों किताबत नहीं की नहीं सच्ची बता हां ईमेल किताबत की है यासर आपने तो की होगी किसी लड़की को लव लेटर तो लिखा होगा नहीं मैंने दोस्त को खत लिखता मेरा दोस्त रहता है इस्लामाबाद हम साथ पढ़ते थे मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो तो इस्लामाबाद शुरू होकर चला गया था वो उसको एक दो दफा लिखे होंगे वो भी पता नहीं क्यों लिखे मुझे अब बताते भी शर्म आ रही है मुझे तो और आपने खत लिखा कभी मैं अपने क्लास में कभी भी नहीं बताओ शक ही ना देंगे आज हम टेक्स्ट करते हैं हां लेकिन अब मैं बताऊं मैं अपने दोस्त को खत लिखता था लोग शक की निगाह से देखेंगे कि यार ये क्या सा दोस्त है जो खत लिख रहा है मेरे प्यारे से मुझे नहीं लगता आपको शक की निगाह से अब तो नाम भी बता दिया उम्मीद है पहुंच गया होगा आपका प्यारा दोस्त हमदम उम्मीद है खैरियत से होंगे यार मतलब कभी तो लिखे होंगे मैंने तो अपने अब्बू को खत लिखे बता तो रहे कि प्लीज छुट्टी करने दे मुझे आज कॉलेज की मैं उनसे खत लिख के जा स्कूल में लेटर राइटिंग करवाते हुए जी एप्लीकेशन नहीं लेटर राइटिंग भी तो होती थी अच्छा वो आप डर के मारे ना कि वैसे अगर आप बात करेंगे तो वो मानेंगे नहीं तो मुझे लगता था कि उनको तर्स आ जाएगा अब्बू प्लीज आज मेरे पेट में बहुत दर्द है फिर आता था नो नो खत उन्होंने भी खत लिख के जवाब दिया बट वेरी वेरी फिल्मी ऑफ यू हां इस लेटर बॉक्स को हमने इसलिए रखा है कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगी ठीक है और उन सवालों के जवाब में अगर गलतियां लड़कियों से हुई तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उधर ठीक है पनिशमेंट भी आप लोग खुद चूज करेंगी अगर गलतियां लड़कों से हुई तो पनिशमेंट भी आप खुद चूज करेंगी पनिशमेंट बहुत मजे मजे की है वो जब आपकी पर्ची निकलेगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा पहला सवाल लड़कियां और लड़कों में से ज्यादा चीखता चिल्लाता कौन है लड़कियां फर्स्ट लेडीज फर्स्ट आपसे पूछती हूँ दोनों ही लड़कियां और लड़कों में से ज्यादा टाइप्स होते हैं एक एक लड़कियां ज्यादा चीखती हैं अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि लड़कियां चीखती हैं या हम नहीं जवाब तुम खुद दो क्या हो अच्छा आई थिंक ये तो बहुत ही अगर मैं सिर्फ स्कूल की बात कर लूं तो शोर शोर समझो तो बहुत चीखना नहीं चलो शोर समझ लो शोर कौन ज्यादा मचाता है हां लड़कियां ज्यादा करती हैं आप लोग भी यही कह रहे हैं लड़कियां और तुम लोग भी लड़कियां कह रहे हो लेटर बॉक्स क्या कह रहे हैं लड़कियां ही कहेगा हां ओके लड़कियां किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी सही जवाब तो सही जवाब पे कुछ मिलेगा नहीं नहीं ओके नेक्स्ट सवाल गुस्से के एक्सप्रेशन किसके चेहरे पे ज्यादा नमूदार होते हैं लड़कियों के कि लड़कों के मतलब गुस्सा ज्यादा किसको आता है ये एक्सप्रेशन ज्यादा कौन दिखाता है एक्सप्रेसिव तो लड़कियां ही ज्यादा होती हैं हां तो गुस्से के भी ज्यादा इसके हम दो जवाब देंगे वैसे तो मर्द के गुस्से के ज्यादा होंगे क्योंकि आप ये सवाल मुझसे पूछोगी तो मैं फिर बोलूंगा कि बीवी के लेकिन ज्यादा से निकलना मर्द का निकलना मैंने बीवी नहीं पूछा खवातीन उस खवातीन में आपकी अम्मी भी आएंगी आपकी बहन भी आएगी आपकी भाभियां भी सुनो एक्सप्रेशन की बात और मारा है ना एक्सप्रेशन की प्रेशन हां औरतें मेरा ख्याल है प्लीज लेटर बॉक्स बताइए हमने लड़कियों का नाम लिया है और हमने लड़कों का भी पता है ना कि लड़कों का नाम लिया है जवाब गलत होगा ना ओके दिखाएं भाई क्या है सही जवाब यस पनिशमेंट चूज करें आप तीनों में से कौन चूज करेगा तुम करो क्यों मैं नहीं नहीं चूज करना है करना तो तीनों को है तीनों नहीं करना चलो करना तीनों को है कोई भी कर ले क्या तीनों अलग-अलग चूज करेगा एक ही ये तो अच्छा ये तो अच्छा ये पानी पूरी ना हो ये तो बहुत अच्छा पानी पूरी ना हो पानी पूरी यार ये गलत है यार ये गलत है मैंने खा लिया तो मेरी नजर से दोनों पोपे कैसी सजा है ये पनिशमेंट हम लेने को तैयार हैं ये तो मैं चाहती आप लोगों को करेले का जूस मिलेगा आराम से आराम नहीं लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या इन गोलगप्पों में कोई बुरी चीज है क्या ऐसा कुछ नहीं है फिर ये कैसी सजा क्योंकि 1 मिनट के अंदर खाने 1 मिनट रेडी Get set और आपका एक मिनट शुरू होता है अब ओए यार हमें पनिशमेंट मिल गया हमें बर्गर खिलाओ ये क्या बात हुई जो चीज पैसे देके खरीदनी पड़ती है वो पनिशमेंट में इनको मिल रही है बाकी बहुत अच्छी पनिशमेंट है ये पनिशमेंट अगर लड़कों के पास आती शायद उन्हें अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनको खट्टा खाना नहीं नहीं हमें लगती अच्छी हम वैसे मैं देख रहा हूं मॉनिटर पे देख रहा हूं मेकअप उतर रहा है इनके लिपस्टिक उतर रही है प्लीज छोड़ दें स्टॉप कर दें और ऐसा एक्सप्रेशंस भी अच्छे नहीं आ रहे हैं हां सीरियसली अजीब मुंह फुला हुआ कुछ नहीं हो रहा मोटे-मोटे लग रहे हैं आप लोग इतने प्यारे लग रहे हो तुम लोग खाते हुए अच्छा एक दो बचाइएगा हमारे लिए प्लीज
पेट पेट में दर्द होगा आप लोगों के क्योंकि हम इतने भूखे बैठे हुए ना इस वक्त और ये आप लोगों को इस तरह देख के और ज्यादा और सुन भी नहीं रही है रिएक्शन भी रिएक्ट भी नहीं कर रही है हो गया एक मिनट हो गया स्टॉप 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप 1 ओके बस 3 2 सबसे तेज सुनीता ने खाए सुनीता ने वाह मुंह में भरा बस आज पनिशमेंट ये पनिशमेंट ही थी ना मतलब भाई एक मिनट में खाना आसान थोड़ी है नहीं वहाँ सीख कबाब रखे आप देखे फिर क्या होता है हाँ भाई ओके रेडी है आप लोग अगले सवाल के लिए झूठ छुपाने में कौन ज्यादा माहिर है लड़के या लड़कियाँ लड़के कोई सवाल है लड़के आप लोगों को क्या लगता लड़कियां आप लोगों को लगता है लड़कियां मेरे हिसाब से नहीं मेरी कजन ने बताया कि वो पेट निकलेगा इसलिए क्या अच्छा लड़के चले अब वो गया मुझे लेटर बॉक्स लड़के बोल रहे हैं लड़के माहिर है झूठ छुपाने में बिल्कुल और आप लोग भी यही कह रहे हैं ओके यस लेटर बॉक्स कौन है माहिर झूठ छुपाने में लड़के ये बात लड़के खुद आज लेकिन मैंने क्या शो रखा है नवाज मैंने क्या शो रखा है कि लड़के खुद उगल रहे हैं ऐतराफ हो रही है मैं बताऊं क्यों मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं पूरी बात की था पर्सनल हम लोग बेचारे वैसे नहीं मैं पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहूंगा कि आपने बोला झूठ छुपाने के लिए सच छुपाने में माहिर लड़कियां होती हैं हम झूठ छुपाने में माहिर होते हैं बिल्कुल सही कहा आपने सही है भाई आगे बढ़ते हैं ओके भाई अगला सवाल किसी को पनिशमेंट नहीं मिली हां अपने मुंह मियां मिठू बनने की आदत यानी के मर्दों में ऑफ कोर्स अपनी तारीफ करने की आदत आदमी 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 नहीं जो खुद अपनी तारीफ कर रहे होते अपने मुंह मियां मिठू अपनी तारीफ नहीं करती भाई बढ़ एक वर्ष की तारीफ करती है इसमें ज्यादा है करती है मुझे लगता है औरतें बहुत अपनी तारीफ करती हैं वो कुछ होती हैं होते हैं भाई अब देखो दो का वोट हो गया ना चले फिर तो अब मेजॉरिटी के लड़के जी आपके लड़के 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 हमें आधार बल नहीं डालना और वो आटा गूंदने लड़के लड़के अगर अगर गलत हुए हमें दोनों को एग्जैक्टली दोनों पनिशमेंट चूज करेंगे ओके भाई क्या है सही जवाब दोनों का जवाब इन्होंने लड़के दिया है अपने मुंह मियां मिठू जो जो शो की प्रोड्यूसर है ना वो लड़की है तो उन्होंने सब खराब हमारे बोला होगा लड़के अभी अभी खेलना नहीं लेटर बॉक्स नहीं तो मैं अंदर आऊंगा मैं बता रहा हूँ आ जाओ भाई लेटर बॉक्स जवाब दो अंदर शहजादी नहीं बैठी हुई ये इन्होंने एक्चुअली मुझे पनिशमेंट छुपा के रखनी चाहिए थी इन लोगों ने डर के मारे कि तुम लोगों को अजारबन ना डालना पड़े तुम लोगों को रोटी ना पकानी पड़े नहीं पर असल में भी यही होता ना लड़के ही कहते हैं ज्यादा कि वो तेरा भाई तो अरे हाँ ये हो जाए हाँ भाई क्या क्या कहते हैं लड़के अपनी तारीफ में जरा बताओ वो तेरा भाई तो क्या क्या लग रहा है आज बोले बोले नहीं बहुत सारी बात है तूने तेरे भाई की गाड़ी नहीं देखी अभी तूने पता नहीं है बॉडी जो तेरे भाई ने बनाई थी ना तुझे पता नहीं है अभी वो पिक्चर मिल नहीं थी मुझे तुझे दिखाऊं मैं ऐसी बहुत सारी बात आप बताएं जरा क्या यही है तेरा भाई यार बड़ा इस बात में सदाकत है वो बात बताओ जो जो झूठ हो देखिए एक बात है वैसे यासिर भाई ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया आपने भी दिखाई है मैंने जो आज जब देखा मैंने बस अब तो आप रो ही आप रो जाए आप ब्रेक में रो के आ रहा हूं ब्रेक में नूर आपको क्या लगता है लड़के अपनी तारीफ किस तरह करते हैं जरा बताएं आपको सही कह रहे गाड़ियां प्रॉपर्टियां नहीं नूर कैसे करते हैं अपनी तारीफ नूर अपनी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता आई डोंट थिंक है ना चीज में बेस्ट अच्छा नूर वैसे लड़कियों की तारीफ करते हैं नूर बहुत ज्यादा लड़कियों की ये मैंने नूर वैसे जनरली करते तो यासिर और आगा भी है ऐसी बात नहीं है थैंक यू ऐसी बात नहीं है वो दूसरी लड़कियों की थैंक यू है ना हां तो उसमें क्या बुराई है दूसरी लड़कियों ऐसे कोई बुराई नहीं है इंटेंशन गलत रहीम की और करीम बख्शी की तारीफ करें या करीम बख्शी बहुत प्यारे लग रहे हैं लड़कियों की करेंगे और जी करेंगे कयामत ढा रहे हो आज हां यार कसम से आज दीन मोहम्मद अरे शफीक शफीक तुमने तो आज कमाल कर दिया क्या तुम खूबसूरत लग रहे हो आपने शुजा को लेटर लिखा था
ट्रैफिक मेरे प्यारे शुजा फूलों वाला जो हजार बंद है ना, वाह मजे का हजार बंद है यार ये। और तुम जब बैठते हो हजार बंद का, आपने शुजा की तारीफ तो नहीं की थी लेटर में? हाँ शुजा भी आपको नाम बड़ा याद है अभी तक, शुजा शुजा नाम है, बोला था मैंने जो बोला था मैंने। ओके भाई मेरा अगला सवाल, कान के कच्चे ज्यादा कौन होते हैं, मर्द हजरात या खवातीन? खवातीन खवातीन होती है, लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा, मैं तो हूँ। मेरे काम तुम तीन दफा की बात बोल जाओगे ना, मैं कहूँगा तुम सही कह रहे हो, मैं तो हूँ। बाद में ख्याल आता है कान ही से कान भर के गया है मेरे। लेकिन मर्द लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, और मर्दों में भी ऐसी टाइप्स होती हैं, बहुत बहुत होती हैं टाइप्स, तो फिर हर तरफ की। मैंने अभी बताया कि मैं वो तो टाइप्स होती हैं, मुझे साइड में कर दी। ये तो दोनों तरफ के जवाब सेम आ रहे हैं ना, मतलब सो इन्होंने भी कहा कि कान की कच्ची खवातीन होती है, और खवातीन ने भी कहा कि कान की कच्ची खवातीन होती है। लेटर बॉक्स क्या कह रहे हैं? ये गलत देगा दोनों को, मुझे भी लग रहा था दोनों को पनिशमेंट। कौन चूज कर रहे हैं आप? अपने पनिशमेंट चूज करें भाई, ये पढ़ रहे हैं, देखो पढ़ के निकाल। खबरदार खबरदार, इसमें डबल फोल्ड लगेगा। निकल निकालो जल्दी से निकालो, ये लो पढ़ो। आपका चश्मा लगाओ करीब। सेलिब्रिटी फ्रेंड को कॉल करके ईदी मांगो। सेलिब्रिटी फ्रेंड को कॉल करके ईदी मांगो। तो हम जो है मिस्टर दानिश नवाज को कॉल कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और इनके तो सबसे पक्के दोस्त हैं। हाँ। तो हम म्यूचुअली ईदी मांगेंगे। और नूर आपकी है उनसे मुलाकात? बिल्कुल हाँ। चलें और ये बताऊं कि ईदी चाहिए, वो बोलेगा मैं बड़ा छोटा हूँ, तुम दो ईदी, आप दो ईदी मुझे, मांग के देख लो। हेलो सलाम भाभी, यासिर बात कर रहा हूँ, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, क्या हाल है? हाँ वो मेरा मोबाइल जरा अपना चार्ज लगा, मैं कौन उठाए जाके ऊपर रूम में लगा हुआ है। दानिश अस्सलाम वालेकुम, मैं आगा बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? आगा आगा भी साथ है मेरे। हाँ मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। अरे अरे आई लव यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और नूर भी हमारे साथ है। वालेकुम दानिश, ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक दानिश। आप लोग पत्ते नहीं खेल रहे? नहीं नहीं हम पत्ते नहीं खेल रहे, आम का पत्ता ही नहीं वो नहीं चल रहा है। असल में हम तीनों जो है ना, हम अपना आपको कॉल के सिचुएशन में फंस गए हैं, एक सिचुएशन में फंस गए हैं, अपना वो हमें ईदी चाहिए आपसे यार। हाँ भाई ईद है, ईदी चाहिए हमें। हाँ भाई आप तीनों मिलके मुझे ईदी दो यार। अरे नहीं अब आप माशाल्लाह सच अ सक्सेसफुल मैन यू आर, आपको हम ईदी को दे देंगे, बनता है आप हमें ईदी दे दो। हाँ अभी आप ईदी दे दो, बात है आपको हम ईदी को दे देंगे। हम आपको छोड़ेंगे झूले में। तो कितनी ईदी दे रहे हैं बताएं जल्दी हमें प्लीज। ईदी तो है, ईदी चाहिए यार, ईदी चाहिए। सीरियसली चाहिए दानिश, सीरियसली ये ईदी मांग रहे हो या बच्चा मांग रहे हो यार? भैया भैया करे आगा भैया भैया भैया। नहीं बहुत बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही दिल पे हाथ रख के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि मुझे ईदी चाहिए है, और सब पूरी दुनिया आपको देख रही सुन रही है इस वक्त, हमें देख रही है। तो आप अपने अपने बालों को पीपल का पेड़ वाला दरख लगाएं दोनों तरफ, लगाती ना रिबन बांध के। आपको शक तो हो गया होगा, भाभी ने शीर कोरमा बनाया या नहीं? खजूर वाला शीर कोरमा ठंडा ठंडा। लास्ट टाइम आपने मुझसे खजूर मंगवा लिए थे। सही। और दाने चले गया दर्द के ऊपर? छुआ रहे हाँ। चलो दानिश आओ घर, वेट कर रहा हूँ, सब आ जाओ आप लोग। थैंक यू दानिश, यू आर फैंटास्टिक, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही रहें, खुश रहें, हंसाते रहें, एंड वी लव यू। बहुत शुक्रिया। ईदी ईदी वाली बात सही थी, वो लेना ईदी। ईद मुबारक के नोट ला रहा हूँ, ईद मुबारक के नोट लिया। सही है। ओके जी, यहाँ हो गई इनकी पनिशमेंट। अब धक मेरी गर्ल्स, मेरी पर्चियाँ बचेगी नहीं अब। पांच गुब्बारे फुलाओ, पैर पांच गुब्बारे फुलाओ। हाँ सुनो, पंप है, पंप भी है। ओके नहीं बाकी लिए पंप से फुलाने तो फिर ये सजा किस बात यार? ये तो अभी फुला के घेरा गया है। ये क्या बात हुई यार? एक मिनट के अंदर, ये भी तो सोचो, एक मिनट में आराम से बोल जाएंगे। हो जाएगा। चलो चलो हो जाएगा। हाँ, चलो देखिए लास्ट में नहीं पड़ती, अगर हमें गोलगप्पे खाने को मिल रहा है, ईजी पनिशमेंट मिल रही है, तो आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं? पता नहीं जी, ये सवाल पूछा नहीं था उन्होंने कि लड़कियां चीटिंग करती हैं। हमारे आप देखे तो सही, कैसे बुलाएंगे? टाइमर दे रही हूँ, चलो नवाल आ जाओ।
अच्छा अगर नहीं फुला पाई एक मिनट पांच तो हार जाएंगी, पहले भी हार तो आपको कौन सा तो सजा तो दो उनको और अगर फट गया तो ये क्या बात हुई, आपको नहीं कर पाएंगी तो करेले का जूस पिएंगी। तो हवा निकल रही है इसके अंदर से यार, खराब है, फुला रही है। नवाल ने तो फुला लिया है, वेरी गुड, ये लो, चलो नवाल जल्दी करो, एक मिनट होने वाला है। ना ये मुझे दो। नवाल लिपस्टिक उतर गया आपकी। देखिए हमने तो पंप ही रखा था, ये पंप सही नहीं है यार, पंप सही नहीं है एग्जैक्टली, थोड़े थोड़े फुला दो। शुक्र है कि पंप सही नहीं है, कोई मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप लोग गुब्बारे फुलाएं, मैं अपना पेट फुलाता हूँ डॉक्टर। ये क्या हमारी पनिशमेंट खराब करो ना, मुझे नहीं तो बच गए खा रहा हूँ। कितना टाइम रह गया? 10 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड। तीन भूल चुके, जल्दी करो गर्ल्स। नहीं पांच बहुत दूर की बात है। नहीं दो हो गए, और अगर ये कॉमन सेंस यूज करते ना, हो गए चार हो गए बुलाने थे, ये थोड़ी पता था कितने बुलाने। 4 नो मैन प्लीज, 3 2 1 छोटा सा फुला दो जल्दी से। 1 2 1 3 फुला भी दे तो 5 नहीं हुए भाई, 5 हो गया, नहीं हुए कैसे गिनाओ। और आपको पता है इनमें से 3 मैंने फुलाए। हां वेरी गुड भाई, फुला लिए 5, ये थोड़ी कहा था कितने बड़े बड़े फुला। और इनकी तो अभी तक ईदी ट्रांसफर भी नहीं हुई, हमें क्या पता। हमने तो पहले भी नहीं पूरी पनिश। आप लोग हार गए बेटा, वो लोग जीत गए। और प्लीज प्लीज कोई आपको ईदी नहीं भेजेगा, मैं नेशनल टेलीविजन पे सच नहीं बोलना चाहता। आइए प्लीज आइए, गुब्बारे फुलाए आप लोगों ने, अब ये गुब्बारे लाखों में बिकेंगे। जल्दी यार गरम, ये चीटिंग चल रही है। हां नहीं आप लोग चारों शो करें। अच्छा भाई अगला सवाल जी, दोनों में से कौन, यानी खवातीन और मर्द हजरात में से कौन अपने मंजन आराम से बेच सकता है, कन्विंसिंग पावर, अपने मंजन बेच देना, कोई प्रोजेक्ट है अगर ऑफिस में तो कौन कन्विंस मर्द करता है ज्यादा या खवातीन करती है, मतलब मंजन बेचना, समझ गए ना। आई थिंक मर्द मर्द ज्यादा अच्छे मंजन बेचते हैं, यही कहो ना, मर्द ज्यादा अच्छे मंजन। आप लोगों को क्या लगता है, खवातीन? हाँ जी मर्द ही ज्यादा अच्छा मंजन बेचते हैं जी, है हमें भी यही लगता है। अल्लाह कितने खुश हो रहे हैं, 32 क्योंकि ये फैसला आप लोग कर चुके हैं। ओके जी क्या है, सो गया लगता है अंदर मर्द, सही जवाब। ओके बातों को दिल में रख के थोड़ा कहते हैं ना बुग्ज रख के बदला लेने वाली नियत खवातीन। बहुत सारी तालियों में नाज़रीन, 100% पेश करते हैं खवातीन। अब आप लोग कॉपी कर रहे हैं हमारी यार, ये गलत बात, ये क्या है, ये ऑनेस्ट हो रहे हैं, अपनी बुराई कर रहे हैं। देखिए हम नहीं बट जनरली कौन है कौन है कौन है जल्दी बताओ। पोस्ट बॉक्स, ये बात, वेरी गुड बॉय। कितना अच्छे से जानती हैं खवातीन भी अपने आप को और मर्द हजरात भी अपने आप को। तो इस सेगमेंट में कौन जीता, मेरी टीम बराबर हो गए ना, बराबर हो गए, मर्द हजरात जीते हैं। ये बात बहुत सही तालियां, पनिशमेंट आपको 2 मिली और पानी पूरी आपने पूरी नहीं खाई, बट इट्स ओके हमें पानी पूरी मिल गई। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके एक और मुकाबला। हाँ ठीक है जीत गए मर्द हजरात, दूसरी बार मान लिया हमने। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। अब करते हैं मुकाबला, थोड़े सा झगड़ा हो रहा है, थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, कोशिश तो यही है मेरी, लेकिन माशाल्लाह इतने पॉजिटिव गेस्ट आए हैं, लड़ नहीं रहे आपस में। हम क्यों लड़े, हम तो जीत रहे, हम क्यों लड़ेंगे, हम तो जीत रहे, हम तो खुशी से भूले नहीं समा रहे। और अब इस लड़की को बिल्कुल भी मर्द और हम खवातीन झगड़ा नहीं करती। हाय 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 ओफ यार, हम खवातीन, तुम रुलाने आए हो, हंसाने आई हो। ये प्रूव कर रही है मेरी खवातीन कि ये लोग कितनी पॉजिटिव है, तीनों बिल्कुल झगड़ा नहीं करती, बदी नहीं चीखती, है ना। हां बिल्कुल, हां प्यार। ओके अच्छा सच्ची बात ये है, हर घर में जो बच्चा होता है वो लाडला होता है किसी भी रिश्तेदार का, कोई खाला का लाडला होता है, कोई मामू का लाडला होता है, कोई चाचू, सही है ना। तो मैं अगर नवाल से पूछूं, नवाल तुम्हारे खानदान में हमेशा से जैसे तुम छोटी थी, तुम किसकी लाडली थी? अच्छा मैं अपने ददियाल के साइड से बहुत क्लोज थी, और मेरे सबसे बड़े मामू हैं जो अच्छा। दुबई शिफ्ट हो गए, हम उन्हें बड़ा याद करते हैं। हाँ उनसे मैं बहुत ज्यादा क्लोज थी। नूर आप बताएं,
आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा किसके लाडले थे? I think I was very close to my खाला. और जब भी कभी अम्मी से मार पड़ी होती थी वो सबसे पहले आके बचा के जाती थी कि नहीं इसको इसके इसकी पिटाई नहीं करनी है. I'm very close to my खाला. और ईदी भी वहीं से ज्यादा मिलती थी. ईदियां भी वहां से ज्यादा मिलती थी. वही ना फेवरेट पेट. सुनीता, सुनीता आपने पूरे खानदान में किसकी लाडली थी? मुझे बनीता के आने पे बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो इतना हंसाती है. हाँ, तो वो मेरे बच्चे बहुत लाडले हैं उसके. और उसकी कंपनी अच्छी है. कंपनी बहुत अच्छी है उसकी. हाँ, हाँ, तो वो मुझे मजा. जी आसिर, आप किसके लाडले थे? मुझे ये पता है. आप बीवी का बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बीवी का बहुत लाडला हूं. आई नो दिखता है वो. हर मैं घर जाता हूँ शूट से तो खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ. मेरी बीवी नवारा बना बना आ आ आ आ और अटकलिया भी जलती है हमारे यहाँ आ आ. तो मैं इतना लाडला हूँ बीवी का. बुजुर्गों की बात करी, आपके घर में कौन सा बुजुर्ग है जिसके आप लाडले रहे हो? वो भी लाडला तो लफ्ज अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि मैं अपने अबू का मैं क्या लाडला क्यों अजीब लग रहा है? मतलब हेलो लाडला लफ्ज नहीं, बच्चों के लिए बोला जाए. सही यार, मैं कब कह रही हूँ, अभी बचपन में बताओ भाई. अब ये थोड़ी सारी बातें मुझे बता चुके तो टीवी पे नहीं बताओगे? नहीं नहीं, घर में मैं ही ज्यादा था और अबू अम्मी कजन्स उन सबको मैं लाडला चाहिए. खुशफहमी, खुशफहमी. आप अपनी दादी के लाडले थे? मैं दादी का लाडला था. मैं हां दादी का. दादी के साथ ही सोते थे? दादी के साथ जी. मतलब एक यादाश्त आदमी भूल चुका है. दादी का, अम्मी का और निदा का. हां हां, तीनों का लाडला. यासिर लाडला, यासिर लाडला है ना. ओके जी, फातिमा अफंदी, आप खानदान में किस बुजुर्ग की, किस बड़े की लाडली थी? मैं अपने अम्मी अब्बू की थी, घर में सबसे छोटी थी. बाकी तो जितने भी थे उनके अपने बच्चे उनके लाडले थे. आगा, आप बताएं. मैं तो दुख में चला गया जब से ये सवाल आपने शुरू किया. क्यों, आपको किसी ने कुछ? मैं तो रिश्तेदारों पे मेरा दिल कर रहा केस कर दूं. मेरे को कभी किसी ने लाडला. एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लगा. कभी किसी को यार, लेकिन मैं था भाई, दुख तो चेहरे पे भी आता है ना. कभी क्या आपने मुझे ये मुझे आज महसूस हुआ है कि ये दुख कहाँ से ट्रैवल करके आया. और आज निंदा ने कुरेट दिया वो दुख, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब है वो अपेरेंटली हमारी पूरी फैमिली के सबसे पहले बच्चे थे इन दीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो वो बड़े लाडले थे. मैं बड़ा जला हूँ आगा साहब से. उनको ही सब पहले ही सब मिलता था और हाँ. मुझे नहीं मिला. बस यार. और फिर मैं भाई मेरे साथ. थैंक यू. आज मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है. बट ऑनेस्टली मैं अपनी माँ के अलावा किसी का लाडला नहीं. आप लोग किसी के लाडले हो या ना लाडले हो, ठीक है, लड़कियों के पास है मिट्ठू मामू, ठीक है, और लड़कों के पास है चूरन चाचू. चूरन चाचू हमारे पास. चूरन चाचू, चूरन चाचू हमारे चाचू का नाम भी चूरन. नहीं है ऑब्वियसली. नहीं हसीन तपा मिट्ठू मामू तो होते हैं. आपने चूरन चाचू और मिट्ठू मामू का पेट भरना है और लड्डू खिलाने हैं. अच्छा. और जिसका पेट ज्यादा भरा गया वो जीत जाएगा. Okay. अब इनका पेट भरने का मौका आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक्चुअल क्या होने वाला था इस सेगमेंट में वो मैं बताना चाह रही हूँ. क्योंकि दोनों जगह मुकाबला हो रहा है तो आप लोग छह लोग उठ के बजर के पास चले जाएं. अच्छा. बहुत एहतियात और आराम चले जाएं अभी प्लीज. okay. आए जी जी. अच्छा, जी सब जी होगा. ये इस मॉनिटर पे होंगे आपसे सवाल. जी धुन भी बच सकती है. दो सेलेब्रिटीज के चेहरे को मर्ज भी किया जा सकता है. ओके. किचन यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं. ओके. मेकअप टूल्स भी हो सकते हैं. आप लोगों ने पहचानना है. ओके. और जो पहले आंसर देगा वो ही जीतेगा. वो जो आंसर सही देगा उसके मामू के पेट में लड्डू जाएंगे. और जिसका पेट जल्दी भर गया वो जीतेगा. तुम लोग लड़कियां और जो गलत सेगमेंट हार चुकी हो जीतता है तुम लोगों ने. अच्छा बजर दबा के किसी ने गलत जवाब दिया. मतलब उनके पेट में लड्डू जाएं हमें क्या फायदा. हमें ईदी दे ही नहीं रहे वो, ना हमारे मामू चाचू ने दी ना ये दे रहे. तो ईदियां ना दे दे के उनका हाल तो देखो कैसा हो गया. अच्छा अगर आप लोगों ने गलत जवाब दिया तो दूसरे के मामू के पेट में जाएंगे लड्डू. सही है जी. ओके सुन लो. ओके जी टीम, पहला सवाल, ये किन दो सेलिब्रिटीज का चेहरा है? गो. हमारा पहले यार पहला बजर लड़कियों ने बजाया. चलो लड़कियों बताओ कौन दो सेलिब्रिटीज है. एक अच्छा, तो फवाद खान एंड क्रिकेटर आमिर. आई थिंक गलत जवाब. अब मैं सही जवाब बता देता हूँ. अच्छा, आप लोगों को बताएं ये है हुमायूं सईद साहब और फवाद खान. ओके दिखाएं किसका जवाब दुरुस्त है. यस गुड जॉब. जबरदस्त.
भाइयों को मैं पहचान गया था। अच्छा, चाय बड़े पहले पहले बजर वाले चूरन चाचू को तीन लड्डू खिला रहे हैं। तीन खिलाएं भाई, खिलाइए। तीन से क्या होगा? वेरी गुड, आएगा आहिस्ता आहिस्ता, फिक्र ना करें। चलिए जी, दूसरा सवाल, रेडी गेट सेट गो। क्या है? चावा लड़कों ने बजाया है, ये तो वो है बर्तन मांग। This is बर्तन, ये मैं बताना चाहूंगा, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसे कूची कहते हैं। क्या है ये वो स्टील का होता है बर्तन में, बहुत बर्तन धोता है। अच्छा, तो बर्तन है और दूसरी चीज क्या है? चाय पत्ती बनाने के लिए वो काम आता है। दूसरी चीज भी है कोई? आप लोग देखे बताए भाई। ये दूसरा वाला जो है मुझे हेयर में यूज होने वाला वो लग रहा है, बन या मॉपिट। हाँ, जो यूज होता है वाला हेयर मॉपिट कहते हैं ना। चाचा भाई, ओके ओके। अब इन लोगों ने कहा दोनों को झावा कहते हैं। नहीं नहीं, एक तो बर्तन धोने वाली है, एक खुद को धोने वाली है। हाँ, वो लोफा कहते हैं ना उसे। हाँ, और आप लोगों ने कहा कि मॉपिट है और झावा है। हाँ, ठीक है। हाँ, बर्तन धोने वाला बर्तन ना देना। देखा है भाई किसका दुरुस्त है जवाब? मैं तो इसको उसमें भी इस्तेमाल कर लूं, क्या फर्क है इसमें और उसमें? आप लोग की कंफ्यूजन है, हम नहीं इस्तेमाल कर क्या? गाना तो बहुत ही पुराना है, वो गाना बहुत क्लियर सुनाई भी दे रहा है। ये गाना है और दूसरा गाना है हमारे प्यारे ऐसे ही महसूस हो रहा है। दूसरा जो गाना है वो फहद मुस्तफा साहब और हीरोइन मुझे याद नहीं है, वो बावरा गाना था वो। बेखुदी भाई गाने मैं गाना फिर गा देता हूँ। कुछ होश नहीं, कुछ होश पुराना वाला गाना वाला बताया वाला तो गा के बता दूंगा ना, मुझे गाने का नाम, मैं अब्बू थोड़ी हूँ गाने का, मेरे को क्या पता क्या नाम है। महसूस हो रहा है गाना का नाम है। एक बात बताओ, इतना जवाब भी किसी ने दिया? सही बात है। तो फिर बहस किस बात की हो रही है? ओके भाई सुनाए जरा। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में। लड्डू जा रहे चूरन चाचू के पेट में। अब गौर से नेक्स्ट सवाल देखिए, सुनिए, कुछ भी हो सकता है। रेडी गेट सेट। किन दो सेलिब्रिटीज की तस्वीर है? मैंने हम किसने किसने बजाया पहले? लड़कों ने बजाया, लड़कों ने बजाया। नहीं नहीं नहीं, सोनिया हुसैन और महविश है। तुम लोग क्या कह रहे हो? सही है ये जवाब? सोनिया महविश। दिखाएं जरा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। यस, यार थर्ड सेगमेंट में हम जीतने वाले यार। वेरी गुड। चूरन चाचू के पेट में फिर तीन लड्डू गए, हालांकि नाम तो नहीं है इनका लड्डू खाने वाला, लेकिन फिर भी कोई बात। चलो ओके जी, रेडी गेट सेट नेक्स्ट सवाल। और एक मस्कारा। मस्कारा नहीं, क्या है? मस्कारा स्पूली ब्रश है और एक अगर स्पूली है तो मेरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पैचुला नहीं बोलते तो डोई बोल ले। ओके, डोई है लेकिन डोई गहरी होती है। डोई बहुत गहरी होती है। मैं बहुत डोई से गहरी नहीं हूं। वी सेड वुडन स्पून एंड स्पूली। देयर इज नो नेम एज वुडन स्कारा एंड स्पूली। आई कांट से दिस इज स्पूली। मैंने सही बोला, ये मस्कारा नहीं है, ये स्पूली ब्रश है। वाह, ब्रश मस्कारा ब्रश इज नॉट मस्कारा, दिस इज स्पूली ब्रश। एंड दूसरी आईब्रोस के लिए, और दूसरी दूसरी उन्होंने क्या बताया? डोई नहीं है ये, वुडन स्पून। ये डोई नहीं, बाद में वुडन स्पून बाद में बोला। यार ये क्या बात हुई? दिस इज प्लास्टिक टेबल, दिस इज प्लास्टिक फ्लावर, दिस इज स्किनी लेग। ऐसे तो किसी भी चीज का नाम रख सकते हैं। लड़कियों को डाय हो गया, डाय हो गया, छोड़ दो, गलत है यार ये चीटिंग। अब मैं हर चीज का नाम ऐसे ही रख दूंगा, पता है? ये मिट्टू मामू के पेट में गए, ये मिट्टू मामू। मतलब ये क्या बात है? गलत 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 गलत
ओके रेडी हैं आप लोग नेक्स्ट सवाल के लिए? जी जी बिल्कुल जी नेक्स्ट सवाल भोपला गया ऊपर को बिलाल अशरफ और बिलाल दूसरा वाला बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास आप लोग बताएं बिलाल अब्बास बिलाल अशरफ पहले हमने बताया आप लोगों ने हमें कॉपी करनी है बिलाल अशरफ फोन कर लेते हैं यस बॉयज चुरन चाचू मुझे लगता है हमारे बजर में कुछ मसला है देखिए कितने देर से पहले बजाया था आई लव यू ये स्लो है हमारा बजर देखिए आंसर पहले कर देते हैं रेडी हैं आप लोग नेक्स्ट सवाल के लिए बिल्कुल ओके गेट सेट गो पहले देखते रहे हाँ, अब देखिए मैं इनके काम बता देता हूँ मैं खातून नहीं हूँ तो मुझे नाम नहीं पता चिंटा एक तो ये वो खतरनाक वाली कैंची टाइप चीज होती है जिसको लड़कियाँ यूं यूं करती है और ऐसे ये ऊपर चला जाता है एक तो हो गया और दूसरा चिमटा और या फोर वो जो होता है तो आप रख लीजिएगा घर जाके मैंने वोटिंग कराई है टीम से तो उन्होंने कहा है कि इससे रोटी भी पलट सकते हैं इसको लेकिन आईलैश कर्ली का नाम नहीं लिया था आगे बस ने सारा जो बता कुछ करके दिखाया वो तुम लोग बहुत शुक्रिया प्लीज मेरे मामू को कहें यू होता यू और ये देखिए लड़के सब नाम थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू अंदाज आप आंदियां नसीबा नाल है कड़ियां जल्दी से प्ले कर दो तो लड़कियों को वोट थैंक यू वेरी मच मुझे लगता है मुझे चेक मिला सर बात चले 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 जी थर्ड सेगमेंट हम जीतेंगे इसका मतलब हम जीत गए ओके भाई नेक्स्ट सवाल ये तो मैं हूँ बताओ 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 इतने पहले बजर मैं एक बात कहना चाहूंगा हालांकि हमने पहले बजर बजाया पर आप इन्हें मौका दो क्योंकि हम तो जीत गए ना नहीं पहले हमने बताओ नेगेटिव मार्किंग हटाओ उसको हम बताएं सुनीता 3 2 1 नेगेटिव मार्किंग बताओ सज्जन एंड सुनीता दिखाओ भाई ओ वैसे मैं हर लड़की को गेस कर लूंगा तो वो मेरे कैरेक्टर पे आ जाएगा हार भी रहे होते तो कहते इनको चांस दे दो अरे नो प्रॉब्लम अभी हम जीत रहे आ जाओ देखिए 8 बार वो नहीं कर पाए एक बार तो बनता है वो छोड़ के चले जाएंगे शो इस तरह नहीं अल्लाह मजा नहीं आएगा दिल दुखाना नहीं चाहते हम आप भूखे रह गए हम जा रहे हैं ओके नेक्स्ट सवाल बॉटल ऑफ एंड ब्रश का ब्रश हेलो 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 लड़कियों ने पहले बजाया एक है बॉटल ओपनर जी क्या बात और दूसरा है ब्लश ऑन ब्रश भी होता है पाउडर फाउंडेशन मिक्स करने वाला दोनों का हो सकता है दिखाएं मैं क्या लड़कियां कह रही हैं बॉटल ओपनर और ओ गॉड जबरदस्त खुश हो रही है मियाँ का साथ भी नहीं दे रही देखो यार नो कैसी बीवी है मियाँ के साथ सारी जिंदगी दे रही हूँ अभी लड़कियों का साथ देना अभी लड़कियों वाली बात आ गई है हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन रोको गाना रोको रोको रोको
गाना है ये। एक्सक्यूज मी, क्यों बजाया बजर? मेरे को पूरे सेट पे कोई बता दे अगर दूसरे गाने की आवाज आई है उसको। नेगेटिव मार्किंग आवाज नहीं आई है भाई। अच्छा उनको तो तब मिलेगा ना जब वो जवाब देंगे। दो भाई जवाब नहीं नहीं आप ठीक है। मैं एक गाना तो बता सकता हूँ, आप दो गाने बता दे, मैं अपने तीन लड्डू भी निकाल के दे दूंगा, अलग से निकाल लूंगा मामू के लड्डू। आपने गलत जवाब दिया तो लड्डू मिट्टू मामू के पेट में जाए। बजर बजाया जी, जब आपने बजर बजा दिया बजाया। सुनाओ जरा। मैं पंजाब नहीं जाऊंगी का गाना। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ जो गाना सिंगर ने खुद गाने से पहले लरज रहा है वो उसकी कहाँ में आवाज आएगी बेटा। कुछ सोच समझ के दो गाने लगाओ। चले आ जाए। चले नेक्स्ट सवाल। एक है ये मेरा प्यारा भाई और एक है इनका हम नाम प्यारा भाई। क्या तो ये यासिर हुसैन और वन एंड ओनली यासिर आवाज। बहुत सारी तालियां। चलो उन्होंने मजा बाकी। या शो इट वाज लड़कियों तुम लोग क्या लग रहा है? यासिर हुसैन और यासिर उन्होंने तो कॉपी करके वही बोला। नहीं यासिर हुसैन यासिर नवाज। यस दिखाओ भाई अपनी तरफ से बहुत बयान आए थे। यस लेकिन हमारी नजरों से बचा इसे। उफ यार कितना अच्छा लग रहा हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यासिर इसी बात से नाराज लग रहा है कि आप इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। अब तो रो ही ले भाई आप। मैं रो रहा हूं, रो रहा हूं, दिल में रो रहा हूं। अरे जीत के आंसू आ जाएंगे उनको वैसे ही रोने की खुद पसंद होते हैं आदमी लोग। चलो डाले हो गया जी। डाल दिया डाल दिया। गेम खत्म। जीत गए हम लोग। नहीं नहीं पक्की बात है। हाँ, अभी बस दो आखिरी और सवाल रह गए। अच्छा जी। और कुछ नहीं लड़कियां भी बहुत अच्छा खेल रही हैं। बहुत अच्छा एंड पता चलेगा। ऐसा अच्छा खेल रही है वो। चलें ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्बो रोलर एंड लड़कियों ने बजाया। अभी आया भी नहीं था मैंने बजा दिया था। उन्होंने क्या पहले कैसे बजाया? भगवान तू मिल गया। अभी आया भी नहीं था। हेलो हमने भी पहले ही बजा दिया। चलो लड़कियों बताओ क्या क्या है। एक तो विस्क है। हाँ, और एक रेजर है। बहुत अच्छा जवाब। बहुत अच्छा जवाब। हो गया लड़का। चीटिंग करनी टीम से तो कुछ काम नहीं होता। हो गया। ओके पॉइंट आदमियों को मिला। ये बहुत थैंक यू। ओके हाँ भाई रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। इलाज सही है। बोलो लड़कियां लड़कियां बताएंगी। बताओ भैया कभी नहीं होने वाला ये। बताओ चलो जी माइनस हो जाएगा। हां आत्मा ने बताया। डन हो गया। गलत लिरिक्स ही गलत। नेक्स्ट दूसरा गाना है। दूसरा गाना वो उसी का है। अब उसी बॉल निकाल। पहले मुझे पता है मैं रुक नहीं पा। बॉल निकाल ली। हां जी भाई दावा डालनी है ना। अभी डाल। नेगेटिव नेगेटिव नहीं अब देखते हैं। नेगेटिव क्या दूसरा गाना क्या है? ओके काउंटडाउन जानो। ये आखिरी जो है काउंटडाउन कैसे जाएगा? 10 9 8 ओ क्या बात है क्या निशाना है। अरे वाह कोई बात नहीं देखिए गया अंदर वो। अरे वाह अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आसिफ भाई जो पीछे से नजर। ओ क्या बात है यार वाह यहां पे हम जा रहे हैं यार क्या बात। Oh, और इसी बात के साथ दुख हुआ मुझे। मेरी लड़कियां फिर बड़ी बड़ा ट्राई किया बेईमानी करने का। बहुत कोशिश की लेकिन ये बार होस्ट मान भी रही है। क्या होस्ट मान भी रही है। मैंने बड़ी कोशिश की। हाँ क्यों नहीं भाई सच्ची बात। हर इच्छाओं पे निंदा मान लेती है लेकिन फिर भी चीटिंग करती है। जी तो छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। अभी तक जितना भी प्रोग्राम हुआ है उसमें लड़के जीत रहे हैं। कोई बात दिस इज नॉट फेयर। लेकिन वो कहते ना निदा घर में तो हम ही जीतते हैं ना। एग्जैक्टली ये हुई ना बात। ये हुई वही वाली बात। लेकिन सारे यहाँ बैठे हुए मैं लड़कों को कहूंगा बहुत सारी तालियां बजाओ लड़कों के लिए क्योंकि जीत जीत होती है और हार हार होती है। और इसी बात के साथ आगे ब्रेक पे चले जाओ। इसी के साथ देते एक छोटा सा ब्रेक। लड़के जीत रहे हमेशा जीतते रहेंगे। आप भी जहाँ पे जीतिए जीतिए ईद मनाइए। टेक अ ब्रेक। कहाँ जा रहे हो? वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक।
पता है भाई पता है, हाँ मैंने शो कुछ और प्लान किया था, हो कुछ और गया, लड़के जीत रहे हैं, माना माना माना। हाँ हाँ पता है मुझे पता है, लेकिन कोई भी जो शानदार लड़का बोला मुझे बड़ी खुशी हुई, लड़के जीत रहे हैं आज, आप लड़के याद ही नहीं, लड़के जीत रहे हैं आज, आप लड़के लग रहे हैं और लड़के भी जीत रहे हैं हम लोग, देखा है लड़ भी रहे हैं इसमें हम लोग। अगर मैं आपको लड़का कहूं तो मैं भी लड़की हुई ना, मैं मुझे भी लड़के नहीं जीत रहे, लड़के जीत रहे हैं, यानी कि लड़के जीत रहे हैं। वाह क्या बात है। देखिए इस सेगमेंट में आप लोगों को ईदी मिलेगी, ईदी तुम लोगों को जब मिलती है तो तुम लोगों ने क्या किया उस ईदी का? अभी की बात नहीं मैं कर रही, बचपन में जाओ जो ईदी जमा करती थी नवाल, क्या क्या करें, दुकान पे आइसक्रीम, मैं तो सारे उड़ान फूड में। हाँ मैंने तो लकड़ी की तलवारें भी ली है जो मिलती थी पुरानी रंग बिरंगी, और एक 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 गाड़ी मिलती है वो खेचो रस्सी, उसमें आवाज आती टक 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 टक, देखा रस्सी से खेचते वो भी जो चलती थी गाड़ी। अच्छा मैं एक एक करके पूछती हूँ, आपने बताया कि आपने ईदी से क्या किया है। हाँ नवाल तुम क्या करती थी अपनी ईदी से? मुझे याद है कि मैं फोर्थ डे फिर जाती थी पार्क टावर्स, और वहाँ से मैं लेती थी इयर रिंग्स छोटे छोटे या कोई भी चीज़ मुझे अगर अच्छी लगती थी तो। हाँ यार नवाल इतनी मिलती थी आपको? वो तीसरे दिन के चौथे दिन इतनी हो जाती थी, जमा जमा करती थी। आप क्या करते थे आगा अपनी ईदी के साथ? यही करते थे जी, आप भूल गए बचपन नहीं, खाते पीते थे, और उस वक्त सबसे बड़ा जो एक्साइटेड आप फील करते थे वो होता था कि अपनी मर्जी से जाके आप कह सकते हैं। हमारे वहाँ गुजरात में जब हम छुट्टियाँ गुजारने जाते थे ईद की, तो वो सूफी की दुकान थी बड़ी मशहूर, अच्छा सूफी नाम था, तो सूफी साहब ही बोलते थे उनको। हाँ। तो वहाँ जाके जो ये कॉन्फिडेंस होता था ना कि मुझे एक वो चाहिए और एक वो चाहिए, पैसा है हमारी क्योंकि आपके पास अपना पैसा, तो वही किया ज्यादा तो चीजें खाई। फातिमा तुम क्या करती थी? चीजें खाते थे या एक वो गुल्लक सा होता था उसमें जमा कर लेते थे, फिर बाद में कहीं स्पेंड कर लेते थे, इस तरह से करते थे। ये चीजें खाने वाला है। नूर क्या करते थे अपनी ईदी का? नूर मेरे ख्याल से प्लॉट लिए थे नूर ने। नहीं कुछ खाते नहीं, 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 मुझे बचपन में कबूतर पालने का बहुत शौक होता था। ओह माय गॉड, कुछ डिफरेंट करता था। पैसे जमा करता था और ईद के फोर्थ दिन ही जाके मेरा नजर में होते थे कि कौन कौन से कबूतर थे। आई वुड जस्ट गो एंड गेट। अच्छा कबूतर खाली खरीदते थे या उनका मुकाबला भी कराते थे? खरीद रखता था, नहीं मुकाबला, छोटी उम्र में कैसे वो इतना बिजनेस माइंडेड। ओके भाई आप लोगों को आज मैं ईदी दूंगी और वो भी कड़क कड़क 10 रुपए की सही, लेकिन खुशबू वही है। होगा क्या आपको हम एक डायलॉग सुनाएंगे। जाहिर है एक्टिंग तो आप लोग करते हैं, अंदाजा होगा कि ये डायलॉग अगर ये बोल रहा है तो दूसरा क्या बोलना है। ओके जो डायलॉग हम आपको सुनाएंगे उसका मैं उसके ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? आप लोगों ने जो भी आंसर सुना, आप दोनों में से जिसका जवाब दुरुस्त होगा उसको मैं ईदी दूंगी। ये 10 रुपए का नोट जो जीतेगा वो जाएगा प्रॉप उठाएगा वहां से और हारने वाले को पहनाएगा, और उसकी ऐसी तस्वीर खींचूंगी सारी यासर को पहनाना, सही है? ठीक है, यासर को बनाऊंगा सारी यासर को पहनाना, अलग कर ये लोग हारे। गुड लुकिंग आदमी, गुड लुकिंग ही लगे। ओके जी रेडी गेट सेट, पहला डायलॉग सुने। बहुत दिन हो गए हम बाहर खाना खाने नहीं गए। हस्बैंड ने क्या जवाब दिया होगा? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। नंबर वन, नहीं यार मूड नहीं है कल चलेंगे। नंबर टू, हाँ हाँ बेगम तैयार हो फौरन चलो। और तीसरा जवाब है, सुसर जी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है क्या? वन ओके हाँ हाँ बेगम क्योंकि लड़के जीते चल क्या क्या हाँ हाँ बेगम आई थिंक टू फौरन तैयार हो थ्री क्या सुसर जी ने रेस्टोरेंट खोल लिया है क्या? One. तीनों मशवरा करो। नहीं तुमने थ्री बोला है ना, कल चलते हैं। थ्री बोला है ना, थ्री ओके सही है। टू दिखाइए भाई सुनाइए। क्यों तुम्हारे अब्बू ने रेस्टोरेंट खोल लिया है क्या? लो लाओ लाओ ये लो वाह हमें कुछ मजेदार किस्म की लेकर देख कर जाना। मतलब 10 रुपए हमें दे दिए उसमें भी हमें सामान खरीदना पड़ेगा जी। ये खरीदेंगे हमें बनाएंगे यार ये अच्छा है ना यार। ओके उसने कहा जल्दी करें बिल्कुल। अच्छा एक एक करके क्योंकि मैं सबकी पिक्चर्स लूंगी। ब्लैक कपड़े इसमें सूट करेंगे। ओके बैटमैन नॉट बैटमैन ये वो है मैलेफिसेंट। ओके मैलेफिसेंट दूसरा डायलॉग सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी यस जी। अपनी अम्मी को समझा ले आप, बहुत हो गया।
अपनी अम्मी को समझा लेना, बहुत हो गया। नंबर वन जवाब क्या आएगा डायलॉग? तुम जाके अपनी अम्मी को समझाओ। तुमसे ज्यादा समझदार है, सही है, एक ऑप्शन। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, छोड़ो ना बड़ी है। थ्री थ्री छोड़ो ना बड़ी है। अच्छा मैं बात करता हूँ, रोते हुए जाए, ईद खराब गुजरे इनकी। चश्मा ले लो, चश्मा कम से कम एक सेगमेंट जीत बड़ा वाला। हाँ ये हुई ना बात, चश्मा पहनाओ ना जरा। थैंक यू यार, हैंडसम हंक। मैं पूरा तैयार हूँ। नेक्स्ट डायलॉग सुनिए, वापसी में 8 रोटियां जरूर लेते आइएगा। अगला जुमला क्या होगा? ऑप्शन जी हाँ ठीक है बेगम, कोई मसला नहीं है, मैं ले आऊंगा। नंबर टू, किसी और को भेज दो भाई। हाँ नंबर तीन, शादी से पहले तो पूरी पूरी दावतों की रोटियां बनाती थी। क्या क्या होगा डाले? टू टू टू, किसी और को भेज दो। हाँ और आप लोग क्या सोच रहे? थ्री कर दो। थ्री थ्री क्या? शादी से पहले तो बड़ी रोटियां पकाती थी, ये वाली बात। ओके भाई क्या है अगला डायलॉग? शादी से पहले पूरी पूरी दावतों की रोटियां बना लेती थी। हम जीत गए। अब नवाल मैं हम जीतेंगे, जितने भी आखिरी के हम जीतेंगे। हमने समझ गए, हम गेम समझ गए। जो आपको लग रहा है वो बोलना नहीं है। ये क्या? ये क्या? क्या क्राउन? अरे ये तो अच्छा आ रहा है। कितनी हमारी कितनी पॉजिटिव, कितनी अच्छी लड़कियां हैं देखें, उनको किंग बना रही हैं। इतने अच्छे क्लास बनाओ मेरा। हां डू इट सर। देखो कितनी अच्छी बात है। ओके भाई नेक्स्ट डायलॉग। यार ये क्या, तुम रोजाना एक जैसा खाना बना लेती हो? हमारे भी एक्टर्स छुपे हुए हैं। ओके भाई अगला डायलॉग क्या होगा? ऑप्शन वन, बच्चों की सुनू या आपकी सुनू? दूसरा ऑप्शन, तो सुबह बता के जाना चाहिए था ना? तीसरा ऑप्शन, आपको तो सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ का खाना पसंद है। थ्री थ्री आपको तो सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ का खाना पसंद है। नहीं आई थिंक टू 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 कम ऑन यस थ्री कर दो यार। सुबह बता के क्यों नहीं गए? सुबह बता के क्यों नहीं गए? ओके ओके बताइए भाई अगला डायलॉग क्या है? आपको तो सिर्फ अपनी अम्मा का खाना ही पसंद है। हमने गाना आ गया, हम ही जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया, इसका मैं खरीदूंगा यार। ऐसे बताएं, मैं नहीं, तीनों के बाल खराब हो, ऐसे जीता लेगा ये बालों की जो ना सींग लिया सींग क्या क्या वो सींग अच्छे ये ओ ये बनी के लिए ओ गॉड ब्यूटी। ये तो मेरे ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है जी। ये जाता है सबसे पहले यार क्या पीटा है। अगला डायलॉग, आपने मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाया हुआ है? ऑप्शन नंबर वन, तुमने भी तो लगाया हुआ है। नहीं पर एक तो ये गलत बात है, मोबाइल में पासवर्ड लगाया हुआ है का क्या मतलब होता है? नंबर टू, क्यों दोस्तों के ग्रुप बना बने होते ना, बुरा लगता है। नंबर थ्री, कुछ तो पर्सनल रहने दो। हाँ भाई नंबर वन, नहीं नंबर वन क्या आप क्यों शक करती हो? शक क्यों करती हो? हमारा दोस्तों के ग्रुप वाला, दोस्तों के ग्रुप बनाया है। ओके भाई डायलॉग क्या है? यार वो कुछ दोस्तों के बनाए हुए ग्रुप ऐसे हैं। यस यस अब मैं जाऊं प्लीज जी जी। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? समझ गए कैसे खेलना है। अच्छा जी, वो लड़कियां वहां भरपूर कोशिश कर रही हैं कि हमें ऐसा क्या पता चल गया है, लेकिन नूर इमेजिनेशन। ये बहुत अच्छा एक कैरेक्टर भी है यार। दो पहले दो चीजें ले आऊं? नहीं नहीं आया तो ये क्यों? सब बाबू भैया लगेंगे जी जी। चलिए आइए पहले दिस ये मैं ये पहने इसके साथ ही दिस विल बी कूल। ये वेरी गुड। हां यार न्यू एवेटार यार, एवेटार 4 में ले लेंगे, मैं बता रहा हूं नवाब।
हाँ भाई, नेक्स्ट डायलॉग, नेक्स्ट डायलॉग। बेगम इस महीने बजट थोड़ा कम है, हाथ रोक के खर्च करना। बेगम इस महीने बजट कम है, जरा हाथ रोक के खर्च करना। पहला ऑप्शन, बजट होता कब है आपके पास? दूसरा ऑप्शन, मेरे खर्चे ही क्या है? तीसरा ऑप्शन, काश शादी से पहले आपका बजट मालूम होता। हाँ भाई, आपका बजट होता कब है? चलो आखिरी है ना, सेकंड कर लो। आपका बजट होता कब है? सुनीता के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की साथ देना चाहूंगा, इस जज्बे के साथ खेल को खेलना कोई आम बात नहीं नाजरीन। क्या बात है जी, क्या है डायलॉग? काश शादी से पहले आपका बजट मालूम होता। Yes, congratulations. That's a very नहीं तो फर्ट तो कोई टच भी नहीं कर रहा। क्यों टच करें भाई? बेचारे जीते हमें, आपने आपने पता है ना, हमें पता है, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। अच्छी लगेगी। ले भाई, मुझे याद आ गया है कि बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्धी मिट्टी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम इधर देखिए। अगला डायलॉग जी, पड़ोस वाली फरिया से तो बड़ा हंस-हंस के बात कर रहे थे। ऑप्शन नंबर एक, बचपन का पड़ोस है खुदा को मानो। दूसरा ऑप्शन, इखलाक भी कोई चीज होती है ना, हम तुम्हारी ही तो बातें कर रहे थे। अरे यार, हम तुम्हारी ही तो बातें कर रहे थे। हमने भी थ्री बोला, हमने भी थ्री बोला। नहीं नहीं, टू बोला यार, मैंने बोला, फिर इन्होंने बोला नहीं थ्री। मुझे तो टू ही आवाज आई। क्यों टू आवाज आई थी? अरे वो सादे बंदा कौन है, कहा है, क्यों बताएं हम, क्यों बताएं? तुम लेके भी आ गए चुपके, मशवरा भी नहीं किया दोस्त, तुम इतने बेवफा निकले, पूछ तो लेते। नहीं कुछ खास बचे ही नहीं। दिस इज सुपर क्यूट। हां ये matches your dupatta also. Oh my god, sakhiyan ral mile jhumar paaye. Okay bhai, इस सेगमेंट का ये लास्ट डायलॉग है। सुनी सुनी, मेरी अम्मी एक हफ्ते के लिए रहने आ रही हैं। ऑप्शन नंबर वन, अभी तो आई थी। ऑप्शन नंबर टू, महंगाई देखी है। ऑप्शन नंबर थ्री, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर वन यार, पहले डिस्कस कर लो, पहले भी उसने बोल दिया था। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और आप लोग क्या कह रहे हो? बदले लेना हमारे, बदले ना लेना हमारी। वन आपका क्या था कि अभी तो आई थी। ओके, हाँ भाई, एक्चुअल जवाब क्या है? अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, ऑफिस के काम से मुझे एक हफ्ते के लिए जरा बाहर जाना है। ये बात बहुत आला, बहुत यार, बहुत तुम्हारे पे हंसवे। आइए तीनों हम एक एक चीज लेके आएंगे इस बार अलग। हम हाँ, ये अब हमारा ये थोड़ा या तीनों तीन चीजें ले आते हैं। ये देखें, ये भी ले जाओ, तीनों पहनाई जाएंगी। और साथ में मुझे लग रहा है कि ये भी पहना देते हैं। क्या जीत गए ना वो लोग, पूरा लुक वी वन इट जी। आइए पूरा, हम पूरा शो जीते लिए एक कॉस्ट्यूम लेके आए हैं, पूरा शो अच्छा लगेगा, ये हमारा रिवॉर्ड है। प्लीज ये पहनिए, प्लीज ये सब क्यों बना रहे हैं? पूरा शो हम जीते ना, मॉर्निंग शो, ये पूरा हम जीते, हम ये एपिसोड ही जीते हैं गलती से। आइए ये आपको शर्मिंदा करने के लिए। ओह माय गॉड, क्या बात है, ये लोग अच्छे हैं लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए लड़कों के लिए। लेकिन सुनीता, नवाल और फातिमा, आप तीनों भी जाएंगे और तीन नहीं नहीं कोई नहीं, सॉरी बिल्कुल भी कोई नहीं है, शौक पूरे नहीं हो रहे हैं, सॉरी विनर्स ऑफ विनर्स, एक्सक्यूज मी। मिलते ब्रेक के बाद, आज हम जा रहे हैं, आप लोग ब्रेक ले, हम जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, थैंक यू मुलाकात, ईद मुबारक टू एवरीवन, बॉयज आर द विनर्स। आई आई या तारे रा रे रा, अब वापस आ जाए भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं। ये ऐसे ही करते हैं, जब भी इनकी जरूरत पड़ती है ये फौरन दुम दबा के भागते हैं। आदमी होते ही ऐसे, क्यों? बच्चा रो रहा हो, बीवी को पकड़ा के चले जाते हैं। खाना अगर रोटी नहीं बनी, गैस चली गई और रोटी तंदूर की मंगा लो, वहां से चले जाते हैं। और क्या क्या करते हैं ये लोग? और कभी कभी पड़ोस में चले जाते हैं। आप भी पड़ोस में जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। I'm not
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अभी तक बहुत सोचा था मैंने कि आज लड़कियां हरा देंगी इनको, लेकिन जीत गए ये लोग, लड़के जीत गए अभी तक, मगर कोई बात नहीं, जीत का सहरा आपके सर हमने दिया, माना हम। आप ऐसे करिए जैसे आपने एहसान किया, हमने अर्न किया है ये जीत, मेहनत की हमने, हमने ये इससे ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक कोई जीत नहीं होती है। और बहुत बहुत मुबारक, हमने भी अपनी हार बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट की, गुड फॉर यू गाइस, कोई फड्डा नहीं किया, हमने आपको जीत का सहरा दे दिया। जी जी। अच्छा अब हम जरा सीज फायर, ठीक है ना, बातें जरा प्यार मोहब्बत की होती है तो वो इसलिए कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला खत्म, जीत गए आप लोग, मुकाबला था वो, हम जीत गए, जीत गए, एंड में एक जुमला ऐड करना, कोई मुकाबला नहीं था, नहीं ईद है ना, ईद है तो आप सीज पाए, ईद पे हम जीत गए। जी नेक्स्ट, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूं, जो हमारे वाले भी दे दो ये लो, हां तो आपके हक हक भी नहीं है बिल्कुल, जो जो सवाल मैं करना चाह रही हूं उससे आपने मुझे ये बताना है कि आपको इस बारे में पहला ख्याल क्या आता है, ठीक है, और बारी बारी सबसे पूछू, बिरयानी की प्लेट देख के पहला ख्याल क्या आता है, क्या आता है नवाल? ख्याल आता है कि फौरन से खा लो, इसमें आलू है कि नहीं? क्वेश्चन, आज खा लेते हैं कल से डाइट करेंगे। ओह वाओ, जी नूर, मसाला इसमें है कि नहीं? जी यार कम है, थोड़ी और होनी चाहिए, मुझे कम लगती है। आगा, खुदा का शुक्र है कि तू मेरी है। क्या बात है, क्या बात है, रोमांस विद बिरयानी, हाथ में चेक देख के पहला ख्याल क्या आता है? अल्लाह शुक्र, बाउंस ना हो जाए कहीं। ओके फातिमा, देर आए दुरुस्त आए, वो गुड गुड, जी नो पोस्ट डेटेड तो नहीं है कहीं? गहरी बात है ये, बहुत यार टैक्स को ज्यादा ही काट लिया, यही क्यों इतना सा टैक्स काटा है? जी आओ, चलो फाइनली एक तो मिला। ओके ओके, अपना वेट बढ़ता हुआ देख पहला ख्याल क्या आता है? कि कल से तो पक्का डाइट करें। सुनीता, दो के बजाय एक मैग्नम खाऊंगी। हाँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों नहीं कम हो रहा? नूर, देयर इज मोर टू लव। जी यार, 2 kg बड़ा हफ्ते में कम हो जाएगा। कर लूंगा कम हफ्ते में। जी कोई नहीं, कोई नहीं, देख लेंगे, देख लेंगे। हर कोई ट्रोल होता है, ट्रोलिंग होता हुआ देख, अपने आप की ट्रोलिंग होता हुआ देख, सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अफसोस ही होता है, अफसोस होता है। हाँ सुनीता, आई थिंक अभी होगी तो मैं शायद इग्नोर कर दूंगी, ख्याल कोई नहीं आएगा, पता नहीं, जब होगी तो फिर पता चलेगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी फातिमा, क्या ख्याल आते? कोई ख्याल नहीं आता, आई डोंट इवन थिंक दे डिजर्व माय अटेंशन, कि मैं उनके बारे में सोचूं, उनकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है जो किसी और को ट्रोल करे। नूर, आई थिंक इम्पोर्टेंट है तभी तो बात करते हैं आपके बारे में, आप इम्पोर्टेंट है तभी तो बात करते हैं। ओके जी यासिर, मैं देखता हूँ कितने मैसेज है, 8 ने बुराई की और 10 ने तारीफ की है, तो 10 सही है, पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके जी आगा, लोग इसके पास भी कुछ करने को नहीं है, सो हाउ सैड इज दैट, बिजली का बिल देख के पहला ख्याल क्या आता है? मेरे पास नहीं आता बिजली का बिल, इट गोज टू माय फादर, तो मुझे कोई ख्याल नहीं आता। अरे लकी यू भाई, क्या बात है। सुनीता, सोलर पैनल्स लगा ले। गुड 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 आंसर। जी फातिमा, मेरा भी मेरे हाथ में नहीं आता, मियाँ के पास ही जाता है, तो मुझे तो फिर भी मियाँ का तो कुछ ख्याल आता होगा ना, मियाँ को ही आता होगा, मियाँ कहते हैं फातिमा एसी बंद करो, पाता पंखे बंद, मैं बंद करवा रही होती हूँ। चलो फिर कोई तो कोई ये ख्याल आता है कि बचत करनी है। हाँ जी नूर, क्या वो जो चेक मिला था वो तो इसी में चला गया। क्या खूबसूरत बात की। जी यासिर नवाज, बिल तो देना ही होता है, तो मुझे ख्याल आता है चलो शुक्र है अब ऑनलाइन जमा करा दूंगा मैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं वो तो जब, अलग है ना, जब बिजली का बिल आता है आपको पहला ख्याल आता है कि निदा बस हो गया एसी चलाना बंद करो, ये ख्याल आता है? नहीं वो तो सबको आता है ना, कोई उल्टी तो कोई बात नहीं है। अब मेरा ऑनलाइन मोबाइल कर देता हूँ तो मैं इसको सुकून होता है, चलो दे दिया, ड्यू डेट से बच गया, क्योंकि मैं अक्सर ड्यू डेट जो मैं दे मुझे पेनल्टी देनी पड़ती है, हाँ। तो उससे बच गया मैं, चलो दे देता हूँ। ओके जी आगा, थोड़े थोड़े गंदे से दो ख्याल आते हैं, फिर अफसोस होता है और फिर कान बताओ, दे देते हैं कान बताओ, बस यार
यार बस रोना आ गया, बहुत रोना यार बड़ा मुझे अफसोस होता है क्योंकि इतनी खैर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी लेकिन बहुत बिल आता है यार बस दुखी नहीं हूं बस 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 पता इतना बिल आता है मुझे भी रुला दोगे बस 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 तो इसीलिए मैं हर साल अलग ख्याल आता है अपना हेयर फॉल देखकर अपने हाथ में अपने बाल गिरते हुए देखकर क्या ख्याल आता है मल्टी विटामिंस लेने चाहिए ओके हाँ सुनीता क्या ख्याल है ख्याल जो आता है वो मैं बता नहीं सकती अच्छा फातिमा तुम्हारा नेक ख्याल है तो बता दे बहन मेरा भी नेक नहीं है क्योंकि मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतना इशू नहीं है लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए हुआ था तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि यार जिनको कंटिन्यूसली रहता है उनको कितने कितने ख्याल आते हैं हाँ तुम लकी हो हाँ, तो कितने कितने दो ख्याल आते सोचा इस बात पे जो दुख और तकलीफ मर्दों को होगी वो आप लोग सोच भी नहीं सकते बिल्कुल सही कहा जी सारे मर्दों की एक ही गम है ये जब ज्यादा बाल गिरते मेरे सहने पहली चीज आती है की ट्रिम कर दो टिंट करा लो टिंट करा यासिर नवाज मेरा तो ये बस गिर रहा है यार एक बार पीआरपी और करा लूं मैं अच्छा पीआरपी कराने के लिए भागता हूं फिर जी आगा आई हैव एक्चुअली बीन थ्रू दिस होल हेयर फॉल थिंग तो बहुत ही मर्द के लिए एक बहुत ही डरावना ख्वाब है यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो इसलिए बस मैं ये कहता हूं कि ख्याल रखो कोई सेलिब्रिटी ऐसा देखकर जिस पे आपको क्रश हो पहला ख्याल क्या आता है दैफ आबाद खान को देख के ख्याल आता है कि चलो सेम इंडस्ट्री है तो कभी काम करने का अल्लाह करे साथ मौका मिले इंशाल्लाह जी सुनीता मार्शल क्या ख्याल हां मुझे फवाद पे एक्चुअली मैंने फवाद के साथ पहले काम किया था फवाद का नाम ही लेने फवाद पे क्रेशन जो भी कर जो मैं तो ऐसे ही एग्जांपल अगर मैं तो एक्चुअली उसका नाम ले रही हूं अच्छा अच्छा मैंने पहले काम किया था लेकिन उस टाइम पे ही वाजंट दैट फेमस ओके तो बड़ा नॉर्मल सा एक था लेकिन जब वो फेमस हो गए तो उसके बाद एक फैशन शो पे वो आए थे और मेरी मैंने उनको बस देखा और मुझे कुछ ख्याल नहीं आया मैं बस ब्लैंक हो गई मैं ब्लैंक हो गई और मैं यूं देखती रही और वो आया उन्होंने कहा हाय सुनीता मैंने कहा हाय बस वो कुछ जहन में नहीं चला कि क्या कोई ख्याल ही नहीं आया कुछ ख्याल ही नहीं आया मैं सिर्फ देख रही थी और सिर्फ हाय निकला मुंह से जी फातिमा आई गेस यही होता है कि जब आप आपका किसी पे क्रश होता है तो आप मतलब देख के बताओगी नहीं मतलब कोई लड़की बता दो भाई क्या हुआ नहीं मेरा एनरी केग्लिशियस पे था क्रश जब मैं छोटी थी हाँ. तो ही वाज माय फर्स्ट क्रश तो बस यही आई वाज हिज फैन मतलब गाने पोस्टर, सुनना पोस्टर देखना लगाए थे उसके पोस्टर नहीं लगाए थे बट ये है कि वो जो होता है ना आप पागल हो जाते हो देख जी नूर आई लव टू बी ऑनेस्ट मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सानिया सईद के साथ काम करूं एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मैंने उनके साथ काम किया था लेकिन काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे उनकी पर्सनालिटी उनके काम से ज्यादा और ये बाज दफा इसका ऑपोजिट भी होता है कि यू नो आपको लोगों पे क्रश भी होता है आप लोगों के बारे में अच्छा भी सोच रहे आप उनसे मिलते हैं और आपको रियलाइज होता है कि मे बी नॉट व्हाट आई थॉट बट शी इज वन पर्सन दैट आई कैन आप नाम लें और मुझे प्रोजेक्ट बताएं आई विल से यस टू इट सो या बट तू एडमायर करता था या एडमायर क्रश व्हाटएवर Yeah. हाँ जी यासिर नवाज मैं कान बंद कर लेती हूँ बता दो क्या इतनी शर्मा क्यों रहे हो आपको कान बंद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, 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 मेरा मेरा क्रश आया क्या वो 20 साल से मेरे साथ है खत्म शूट खत्म स्टूडियो बंद खुशी वाला आंसर है यार ये जो आज आप आपने समझ लिया ये मिक्स एक्सप्रेशन दिए उन्होंने आपको एक्नॉलेज करना चाहिए यासिर भाई आज आप क्रश होने से बच रहे हैं वैसे शाहरुख खान शो के एंड में जो है ये मुझे करना जरूरी था नहीं तो मैं बाकी इनके पीछे सो रहा होता बताओ सीरियस मजाक नहीं करते ईद पर मजाक नहीं होता सीरियस बात सीरियस कह रहे हैं लेडी डायना है भाई जो ये रोस्टिंग पूरे प्रोग्राम में हो रही है वो भी मोहब्बत का एक एक पहलू है वो भी वो उनकी मोहब्बत का इजहार है देखो यार ये यकीन नहीं कर रही है अब रोना बनता है बस अब रोना बनता है मेरा मैंने जब प्रीतो देखा तो मुझे बहुत क्रश रहा है सुनीता पे बिल्कुल रहा क्या बात है? और आज जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है दैट शी इज हैप्पी शी इज सेटल्ड शी इज माशाल्लाह एज पॉपुलर एज एनीवन वुड यू नो तो माशाल्लाह वेरी नाइस अच्छा जी अब जो है ना जैसे आगा ने सुनीता की तारीफ की है वैसे सब आप एक दूसरे की तारीफ करें क्योंकि ईद का दिन है ताकि गिले शिकवे दूर हो चलो भाई नवाल तुम नूर की तारीफ कर दो चलो नूर से मुझे बहुत प्यार है और ये सब जानते हैं मेरा सारा जो फ्रेंड सर्कल है एवरीबॉडी नोस दैट आई रियली really admire him and I really love him as a person और ये वो इंसान है जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ अपना deepest secret अपना hurt अपना happiness अपना कोई चीज़ मुझे बहुत दिनों से भी अगर feel कर रही हूँ मैं भी इस्लामाबाद गए थे my life was
incomplete. So I really told him that I was really missing you. But I love him as a person and as a human being more than anything else. चलो भाई तुम किसकी तारीफ करोगी फातिमा कौन बचा है किसकी करना चाहोगी मैं उसी की जिसके मेरा मियां दिन रात तारीफें करता है यासिर नवाज यासिर भाई जैसा कोई नहीं है ये होती है बहने तो यासिर भाई से जाहिर सी बात है हमारी मुलाकात होती रहती है अच्छा मैं आप तारीफ करें मैं अपने दे रहा हूं एक्सप्रेशन ताकि ऊपर से यासिर भाई और मेरी हमेशा मैचिंग भी हो जाती है ड्रेस की तो मेरी और कवर की हो जाती है मैचिंग और एग्जैक्टली तो फिर तो ऑब्वियसली ये तो हमारा थॉट प्रोसेस मिलता है तभी तो मैचिंग हो जाती है हमेशा तो यासिर भाई जैसा तारीफ मेरी करें बहन आप कपड़ों की तारीफ कर रही हैं मैचिंग की तारीफ मैं दे रहा हूं फ्लेक्स नहीं आप तो ऑब्वियसली आप तो हैं ही एक यू आर अ जेम यासिर भाई जी सुनीता क्या बोला आपने यू आर अ जेम इज अ जेम मैंने सुना कि यासिर आप जिम जाएं मैं जाऊंगा जिम मुझे अलग लगा था आराम देखो मेरी बहन के बारे में कुछ नहीं बोलो नहीं नहीं यार आप मेरी बहन की तरह चुटिया मारूंगा और आप मैं बहुत बहुत सॉरी अगर आपको बुरा कुछ लगा नहीं 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 जी सुनीता क्या था अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोल सकती हूँ बिल्कुल ईद का मौका हम तीनों खुश हो जाएंगे प्लीज मैं आगे से स्टार्ट करती हूँ आगे से बहुत पहले एक शो में हमारी मुलाकात हुई थी आप ही का शायद शो था ये मुझे नहीं याद लेकिन हम शो में वापस जा रहे थे एक ही गाड़ी में जा रहे थे और मैंने घर जाके हसन को बताया मैंने कहा दिस न्यू चैप आगा आगा हसन जानते थे आगा को तो मैं चूंकि फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने कहा इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय एंड वेरी सोबर एंड डिसेंट एंड नाइस तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की थी हसन थैंक यू सो मच थैंक यू यासिर के साथ मैंने एज अ डायरेक्टर काम किया था तो मैं बहुत डर गई थी इनसे पहले मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था ये बहुत डांटते थे फिर उसके बाद मुझे भी बहुत डांटी है संगीता तारीफ उल्टी हो गई फिर हमने काम किया जब साथ एज एक्टर्स तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके मतलब ये वो वाले एक्टर नहीं है जो थोड़ा टैंट्रम्स दिखाएंगे या यू नो दूसरे सेट पे प्रोडक्शन को तंग करेंगे ऐसा कुछ नहीं है इनमें तो आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू नूर की एक मैं बहुत स्पेशल बात बताऊंगी नूर का बहुत बड़ा दिल है एक अवार्ड शो था उस पर मैं पता नहीं किस मूड में थी और क्या हुआ लेकिन हम दोनों जा रहे थे प्रेजेंट करने एक अवार्ड और मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल गई पता नहीं बस क्यों हुआ बस वो एक मोमेंट में हो गया मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया लेकिन नूर ने कुछ नहीं कहा नूर ने बड़ा सीरियसली उसको लिया और स्माइल की और हम वापस आ गए बाद में लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हसन ने भी कहा ये तुम्हें क्या हुआ था अचानक से आई रियलाइज तो उसके कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई तो राधा देन के नूर मुझसे नाराज होते कि तुमने क्या हरकत की स्टेज में सबके सामने वो आके उन्होंने मुझे हक किया और उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड टू यू व्हाट डिड यू से बिल्कुल नाराज नहीं था और बल्कि फिर मैं सॉरी कर रही थी यार आई एम सो सॉरी पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस पर तो मुझे उसके बाद से लगा कि ही हैज अ बिग हार्ट वाओ ही डज ही सो मच फॉर रिमेंबरिंग इट एंड थैंक यू एंड सच गुड वाइब एंड नवाल और फातिमा की कौन कर रहा है तारीफ चलो ओके मैं तारीफ स्टार्ट करता हूं अगेन आई विल स्टार्ट विद नवाल आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम और मुझे सबसे अच्छी बात नवाल की लगी कि मोस्टली हमारी फ्रेटर्निटी पे खूबसूरत लड़कियां ही होती हैं और जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि बस वो प्यारी ही हैं बहुत कम ऐसा होता है कि आपको बहुत प्यारी खूबसूरत लड़कियां मिलें और जब आप उनसे इंटेलेक्ट की दिमाग की बात करें मैं नवाल से दुनिया की बात कर सकता हूँ दुनिया के बाहर की बात कर सकता हूँ इमोशंस की बात कर सकता हूँ दिल की बात कर सकता हूँ एंड पूरा दिन बात कर सकता हूँ सो मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया और मैं जब भी एक्साइटेड होता हूँ एनीथिंग गुड हैपेंस मेरे नंबर पे जो है ना स्पीड डायल पे नवाल के नंबर है सो नवाल दिस इज हैपनिंग सो आई एम वेरी एक्सट्रीमली लकी दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू एंड आपका दिल भी बहुत बड़ा है कैन आई से समथिंग जो आपने कहा है सुनीता 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 की मैं बात करूँ कि सुनीता यू आर अ वेरी गुड पर्सन टू एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट दैट हाउ यू कैरिंग योर सेल्फ हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया था I still see you and I think you're doing a great job with yourself and thank you. Aap se main first time properly mil raha hu. You seem like a warm, fun person. Thank you. Again, I'm not done yet. Ye to ho gaya.
आगा एंड आई गो मैं औरत नहीं हूं भाई मैं हम नहीं नहीं यार ईद है भाई क्या हो गया ईद है हां सब सब की तरह यार रिलैक्स आगा इनके दिल बड़ा भी तो है भाई करने दे आगा एंड आई गो वे बैक एवरी टाइम आई सी हिम मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली आपकी क्योंकि हम मैं इस्लामाबाद से हूं ये लाहौर से तो मुझे बिल्कुल इसको देख के ऐसा लगता है कि इट्स अ फैमिली एंड जब भी मैं आप दोनों को देखता हूं निदा एंड यासे यू गाइस आर रियली वार्म पीपल आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है एंड यू गाइस आर ऑलवेज वेरी फ्रेंडली सो थैंक यू दीस आर माय पीपल इनके साथ काम नहीं किया कभी दोनों के साथ लेकिन फातिमा भाभी से तो मेरी अब जब से हमने रेस्टोरेंट खोला है तो मेरी सच्ची बात दोनों के साथ काम भी किया है मैंने और नवाल के साथ तफाक से काम नहीं किया लेकिन मुझे खुशी होती है कि जो अच्छी जुबैन सुनीता की तारीफ तो घर पर भी आगे करता था यार सेट पे मुझे बड़ा इम्प्रेस किया सुनीता ने तो अच्छी फैमिलीज की लड़कियाँ आती हैं खवातीन आती हैं तो खुशी होती है क्योंकि मेरी अपनी बीवी भी इसी फील्ड में है तारीफें हो रही है मेरी एंड में यस तो मुझे खुशी हुई इन दोनों को देख के मिलके इनसे और नवाल के साथ इंशाल्लाह जरूर काम करेंगे लेकिन नवाल में से भी वाइज आती है कि एक अच्छी फैमिली की अच्छी लड़की है मुझे खुशी होती है कि अच्छे फैमिली मेंबर हम लोग फैमिली की तरह जाहिर सी बात है तो मुझे इन दोनों के साथ हम एक्चुअली अपनी फैमिली से ज्यादा सेट पे टाइम गुजारते हैं हमारे बहुत लंबे आवर्स होते हैं ये लोग 20 मिनट से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तुम लोगों ने घर नहीं जाना मैं कह रहा हूँ ये शो स्कूलों में दिखाया जाएगा ये कॉलेजेस में दिखाया जाएगा ये शो पॉजिटिविटी का लेक्चर इस 15 मिनट की क्लिप के साथ दिया जाएगा याद रखना अल्लाह की कसम आगा तो बोल चुका है आगा ने बोल दिया था ना नहीं मैंने कब बोला तो मैंने कहा था मेरी क्रश थी वो अच्छा तो पिछले राउंड की बात नहीं थी वो देखो इसी तरह ये वाला जो क्लिप है ये दिखाया जाएगा अपने हक की आवाज उठाने वाले लेक्चर के साथ पर मैं बहुत छोटी सी इतनी सी बात करूंगा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तो आप लोग हो ही ये तो दुनिया कहती है पर मैं पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि इंडिपेंडेंट वुमेन आर देयर यू गाइस रन अ फैमिली यू रेज योर किड्स यू नो नॉट यू आई नो यू आर वेरी यंग फॉर दैट बट आप दोनों स्पेशली अगर मैं पहले बोलूँ तो मुझे बहुत कमाल कॉम्बो लगता है ये लाइफ में और मेरी दुआ है कि हर लड़की इतनी टैलेंटेड इतनी कैपेबल बने कि वो खुद के लिए भी एक एक यू नो उर्दू में क्या बोलते हैं मैं थोड़ा सा माठा हूँ पर मिसाल बन जाए मिसाल बन जाए क्या ही बात है वाह क्या बात है और नवाल को मैं पर्सनली पिछले कुछ अरसे में जाना हूँ नवाल एक बहुत ही स्वीट लड़की है बहुत ही टैलेंटेड है और और ऐड करूंगी नवाल के कपड़े बहुत अच्छे हैं नवाल का एक जोड़ा मैंने पहना था मैंने भी पहना और बहुत अच्छा जोड़ा था शी हैज अ ब्रांड नवाल भी इतनी छोटी सी उम्र में ना सिर्फ नहीं जा रही खुदा हाफिज कर रही तो इसी के साथ साथ इन सारी तारीफों के साथ ये मैंने आखिर में तारीफें यार एक मिनट सबकी तारीफ हो गई मुझे निदा आपकी तारीफ करनी है लेट्स आल्सो आप जो जान है ना मतलब आपकी एनर्जी और जो आप सुबह से शो कर रही हैं आपकी एनर्जी लेवल कोई नहीं मैच कर सकता यू आर लाइक लिटरली द कूल और मेरा डिनर अभी तक ड्यू है भाई आप लोग कब बुलाएंगे ये बातें आप लोग घरों पे जाके कर ले क्या हो गया ये ईद के तीसरे दिन बुलाएंगे हम इनको याद कराना पड़ता है हां पड़ोसी ओ वाह अच्छा भी हमारी घरेलू बातें शुरू हो गई हैं इससे पहले कि हमारी घरेलू बातें एड्रेस भी बता देंगे तो हम खुदाफिस करें लेकिन जाने से पहले मैंने ये तारीफें करने का सेशन इसलिए दिखाया था कि अगर एक दूसरे की तारीफ करने में कोई मतलब क्या जाता है क्या कंजूसी है तो जरा कर दें आज ईद के दिन ही अपने सामने आमने वालों की तारीफें कर दें मियां बीवी की बीवी मियां की बहन भाई की भाई अक्सर बहन भाइयों में भी लड़ाई रहती है ना सो इसलिए कोई इसमें कोई खर्चा नहीं होगा सो आज इस बात पर एंड कर रहे हैं मुकाबलेबाजी से ज्यादा अगर एक दूसरे की तारीफें हों तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी बिल्कुल और इसी मैसेज के साथ ईद मुबारक टाइम नहीं इनके मैसेजेस लेने का गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ईद मुबारक ईद मुबारक